हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सीओसी सीए क्लासेस चैनल पर बच्चे, इस चैनल को हमने बनाया है अपने सीए वाले बच्चों को स्टडी कराने के लिए। चाहे आप फाउंडेशन के हो, चाहे इंटर के, चाहे फाइनल के, आपके सारे कंटेंट को हम यहां पे डिलीवर करेंगे और आपको एग्जाम में दी बेस्ट तैयारी कराने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बीआरएस में जो उनके कई सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट वो डिस्कस किए थे, जिसमें कि मैंने कुछ बातें आपको बताई थी, एक बार याद करता हूं मैं, शॉर्ट रिवीजन आपका। कहते हैं कि आपका कैशबुक जो फर्म खुद मेंटेन करती है और पासबुक जो कि हमारा बैंक मेंटेन करता है, ये शॉर्ट रिविजन है। फिर उसके बाद क्लास शुरू करता हूं। ये फर्म का जो अकाउंटेंट है उसने मेंटेन किया था और ये हमारे बैंक ने मेंटेन किया था। हमारा ही रिकॉर्ड दो जगह मेंटेन होता है। जब हम लोग कहते हैं यहाँ पे आपका डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि हमारा पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब हमारा पैसा बैंक में जमा है। तो कैशबुक में जब हमारा फर्म, हमारा अकाउंटेंट डेबिट कहेगा, तो बैंक उसी टाइम पे पासबुक में हमारा कौन सा बैलेंस बताएगा? जी, क्रेडिट बैलेंस बताएगा, है ना। बैंक वहां पे क्या करेगा? बोलेगा कि भैया मेरा क्रेडिट बैलेंस है। क्यों बोलेगा? क्योंकि अगर हमने कहीं पे कुछ पैसा जमा किया हुआ है, वो मेरा एसेट्स है, लेकिन उस आदमी की लायबिलिटी है क्योंकि उसने पैसा हमें वापस करना है, ठीक है ना। तो हमारे में डेबिट बैलेंस वहां पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस आपका हो जाएगा। जब भी कैशबुक में, ध्यान सुनना, कैशबुक में कहता है डेबिटेड, तो यानी कि डेबिट बैलेंस को और डेबिट करना, मतलब क्या, बैलेंस को बढ़ाना होगा। जब कैशबुक में डेबिटेड कहा जाएगा, तो बैंक उसी बात को क्या बोलेगा? जी, अपने बुक में क्रेडिटेड। वो कहता है कि हमने इसको क्रेडिटेड किया, हमने उसको बढ़ाया है, है ना। तो हमारे बुक में डेबिटेड और यहाँ पे क्रेडिटेड का मतलब कि इंक्रीज करना होता हमारे बैलेंस को। और मेरे बच्चे, अगर हमारे बुक में, यानी कि हमारा अकाउंटेंट कहता है क्रेडिटेड, तो क्रेडिटेड का मतलब कि आपका जो बैलेंस है उसको कम किया गया, यानी कि आपके बैलेंस को माइनस किया गया है, पैसे को निकाला गया है, और यहाँ पे उसी को क्या बोला जाएगा? डेबिटेड। उसने क्या किया हमारे अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया है। आप कभी अपने मम्मी पापा को बोलना कि मम्मी पापा एक बार ना हमें पासबुक दिखाइए। आप जो पासबुक देखोगे तो उसमें क्या होगा, क्योंकि उसने बैंक ने एंट्री किया है, जब जब आपके पापा मम्मी ने पैसा बैंक में जमा किया होगा, वो वहां पे क्रेडिट कॉलम में दिख रहा होगा, क्रेडिट कॉलम में, क्योंकि क्रेडिट का मतलब कि पैसा जमा किया गया है। और जब भी पैसा पापा ने बैंक से निकाला होगा, वो डेबिट कॉलम में दिख रहा होगा, क्योंकि वहां पे क्रेडिटेड का मतलब हमारा बैलेंस को बढ़ाना और डेबिटेड का बैलेंस हमारे बैलेंस को घटाना होता, ठीक है ना। मैंने आपको ये भी बताया था, इसके बाद आपको याद होगा कि जब भी हम यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं, जब भी हम बनाते हैं आपका, तो ये हमने ये कॉलम दिया था जी, इसको बोला था प्लस कॉलम और इसको बोला था माइनस कॉलम। अगर यहाँ पे बैलेंस एज पर कैशबुक हो, चाहे बैलेंस एज पर पासबुक हो, अगर वो बैलेंस है तो हमेशा यहाँ लिखा जाएगा। और अगर बैलेंस अपोजिट साइड में यहाँ पे आता है, अगर ये कैशबुक के मुताबिक है तो ये पासबुक के मुताबिक होगा, ये पासबुक के मुताबिक है तो ये कैशबुक के मुताबिक होगा, है ना। और अगर अपोजिट साइड बैलेंस आएगा तो सेम, अगर यहाँ बैलेंस तो यहाँ पे बैलेंस होगा, और अगर सेम साइड बैलेंस आ जाए तो अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस। ये सारी बातें मेरे बच्चे हमने आपके साथ पिछले क्लास में की थी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज मैं सोचता हूँ कि थोड़ी सी क्लास को और आगे बढ़ाऊं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं, और फिर मैं आपको लेकर आऊंगा कुछ और टिपिकल लेवल के पास। आपका आज टिपिकल तो कुछ नहीं होता, मतलब प्रैक्टिकल लेवल के पास लेकर आऊंगा। वो प्रैक्टिकल लेवल क्या है वो भी सिखाऊंगा। पहले आइए बुकलेट का, पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, पिछले क्लास का एक छोटा सा रिविजन मेरे बच्चे, और वो रिविजन हम लोग क्या करेंगे, 6 क्वेश्चन के साथ करेंगे, 6 क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। शुरू कीजिए 6 क्वेश्चन। सर, 20 के क्वेश्चन वो भी कराऊंगा, चिंता नहीं कीजिए, पहले आप 6 क्वेश्चन पे आइए। देखो ना क्या बताता है 6 क्वेश्चन में। 6 क्वेश्चन में कहता है बच्चे, ऑन 31 मार्च 2022, बुक के क्वेश्चन नंबर 6 पे आप आ रहे हैं, 31 मार्च को कहता है कि कैश बुक ऑफ बिट्टू शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 17,000 विथ बैंक ऑफ इंडिया। मेरे बच्चे, एक बिट्टू यहाँ पे कोई आपका बंदा है जिसके कैशबुक में हमें ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, कितने का? 17,000 का, और वो एक बैंक ऑफ इंडिया बैंक है, उसमें हमारा पैसा है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट है। दिस बैलेंस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस एज शोन बाय द बैंक पासबुक। मतलब जब महीने के एंड में हमने अपने कैशबुक को देखा
और बैंक से क्या मंगाया जी, पासबुक मंगाया। जब दोनों को देख रहा था तो यहाँ पे और यहाँ पे बैलेंस मेरे बच्चे सेम नहीं आ रहे थे, वो डिफरेंट आ रहे थे। अब वो डिफरेंट में कैशबुक के मुताबिक तो बैलेंस बता दिया कि 17 का ओवरड्राफ्ट है, बट पासबुक के मुताबिक कितना है वो नहीं बता रहा है। खैर नीचे आइए, कहता है कि बिट्टू हैड पेड इनटू बैंक ऑन 26 मार्च 4 चेक 10 12 16 6 और 8 का। ऑफ दिस कहता है कि चेक फॉर 6000 वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक इन अप्रैल 2022। फिर कहता है कि बिट्टू हैड इश्यूड ऑन 24 मार्च चेक फॉर 35000, आउट ऑफ दिस चेक फॉर 27000 हैड बीन प्रेजेंटेड एंड पेड, व्हाइल वन चेक फॉर 1000 वाज रिटर्न्ड फॉर कन्वर्जन इनटू अ बियरर चेक, दिस वाज डन एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बिफोर 31 मार्च 2022, द अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द फिगर ऑफ 35, अदर्स वेर नॉट इट प्रेजेंटेड। सर ये क्या है बताऊंगा, पहले आगे क्वेश्चन पढ़िए। कहता है कि यू ऑल्सो फाइंड दैट ऑन 31 मार्च 2022 बैंक हैड डेबिटेड, मेरे बच्चे बैंक ने डेबिट किया था, तो चलो बताओ बैंक ने डेबिट किया था। ये देखो बैंक ने, बैंक यहां से रिप्रेजेंट करते, बैंक ने डेबिट किया मतलब हमारे अकाउंट से क्या किया था, उसने माइनस किया था। बैंक ने डेबिट किया था, बैंक हैड डेबिटेड बिट्टू विथ 1400 फॉर इंटरेस्ट, 124 बैंक चार्जेज, बट दिस हैड नॉट बीन आपका बट हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड दिस अमाउंट इन द बुक्स आपका। देख लेंगे वो भी हम लोग, कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़ो। टोटल ऑफ ए पेज ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक 9670 वॉज कैरी टू द नेक्स्ट पेज एज 6790, ये भी देख लेंगे, आगे पढ़िए। इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट टोटल ऑफ वन पेज ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज 5670, बट इट वॉज रिटर्न ऑन द नेक्स्ट पेज एज 7650। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च एंड एज सर्टेन द बैलेंस एज पर द बैंक पासबुक। वो कहता है कि जरा बताओ कि जिस दिन हमने यहाँ पे दोनों को एक साथ रखा था तो कैशबुक का बैलेंस तो उसने बता दिया स्टार्टिंग में कि 17000 का ओवरड्राफ्ट था, लेकिन यहाँ पे बैलेंस कितना था पासबुक में जरा वो बताओ, अगर हमने आपको डिफरेंसेज के रीजन बता दिए हैं तो। आओ ना शुरू करते हैं, आप मेरे साथ स्टार्ट कीजिए बनाना BRS एज ऑन, हम कब बना रहे हैं 31 मार्च। मेरे बच्चे मैंने बताया हुआ है कि BRS मंथली बनता है, जनरली ऐसे कभी भी बन सकता है बट जनरली मंथली बनता है। एग्जाम में अगर पूछ ले 1 मार्क में या MCQ में आ जाए कि बताओ BRS आपका कब बनता है, 4 ऑप्शन होगा तो मंथली में टिक करना, जनरली मंथली में आपको, ठीक है ना, ऐसे कभी भी बना सकते हैं। मैंने जो आपको फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट के अंदर में हमने यहाँ पे एक हमने क्या लिया प्लस कॉलम और एक लिया हमने माइनस कॉलम, है ना, ये दोनों कॉलम के नाम है प्लस कॉलम माइनस कॉलम, ठीक है। और यहां पे मेरे बच्चे ओवरड्राफ्ट कहता है, लिखिए आप यहां पे क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट आपको दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक, एज पर कैशबुक, कैशबुक के मुताबिक आपका ओवरड्राफ्ट है। मैंने पिछली क्लास में कहा था किसी के भी मुताबिक अगर ओवरड्राफ्ट है तो निगेटिव बैलेंस दिखाना, निगेटिव मतलब क्या, माइनस कॉलम में दिखाना कि भैया इतना पैसा आपका यहाँ पे अकाउंट में कम पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो 17000 का वेयर शोइंग द निगेटिव बैलेंस, फिर कहता दिस बैलेंस डिड नॉट, ठीक है। अब आइए जना मैं स्टार्ट करता हूँ, सेकेंड पैराग्राफ पढ़ेंगे, सेकेंड पैराग्राफ कहता कि बिट्टू ने बैंक में पे किया था, मतलब बैंक में जमा किया था 4 चेक, एक 10 का, एक 12 का, एक 6 का, 8 का, लेकिन कहता ऑफ दिस चेक फॉर 6000 वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक इन अप्रैल। बहुत ध्यान से देने वाली बात है ये मेरे बच्चे, ये इसका हम लिखेंगे नरेशन, चेक डिपोजिटेड, डिपोजिटेड हमने डिपोजिट किया था इनटू बैंक, इनटू बैंक, इनटू बैंक, बट Not yet credited by the bank. बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया है ना, बैंक ने उसको अभी तक क्रेडिट नहीं किया। क्रेडिट करने का मतलब क्या जी, ये देखिए आप यहाँ पे क्रेडिट का मतलब कि बैंक ने अभी तक हमारे बैलेंस को नहीं बढ़ाया है। हमने जब चेक जमा किया है तो हमने तो बढ़ा दिया, बैंक ने नहीं। सुनो ध्यान से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपना कैशबुक पासबुक, देखो मैं ये वाला चीज ना यहाँ समझा के इसको बाद में मिटा दूंगा, है ना। इवन आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम की बात करो, ये वाला जो काम है ना बच्चे इसको आप वर्किंग में करना, ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द आपका कंप्लीट आंसर, ये आपका वर्किंग में जाता है। आप यहां भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट चाहो तो इसको वर्किंग में कर सकते हैं, मेन ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ये चीजें यहीं पर आपको दिखानी है ताकि आपको रिविजन करते समय कोई दिक्कत ना हो,
ठीक है ना। तो सुनिए ध्यान से क्या बता रहा है कि बिट्टू ने 26 मार्च को, 26 मार्च का मतलब क्या, 31 मार्च के पहले, ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 चेक मेरे बच्चे उसने जमा किया था। जरा बताओ चारों चेक का अमाउंट मिला के कितना हो गया, 10 प्लस 12 आपका 22 प्लस 6 28 प्लस 8 36,000, यानी कि यहां पे 36,000 रुपीज का एंट्री कैश बुक में हो चुका है। मेरे बच्चे मैं कुछ बातें बोलूंगा, आप ध्यान से सुनते हुए रहना, रियल लाइफ में भी यही होता है। रियल लाइफ में क्या होगा कि जैसे ही चेक आपने बैंक में जमा किया ना, अकाउंटेंट जैसे ही चेक बैंक में जमा करेगा वो क्या करता है जी, एंट्री कर लेता है कि मेरे अकाउंट में पैसा आ गया है। सर पैसा ना आया तो डिसऑनर हो गया तो वो बात की बात है, लेकिन वो रूल जो होता है रियल लाइफ में हम क्या करते हैं उसी टाइम पे एंट्री कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि भैया इसमें से ऑफ दिस, इसमें से जो 6,000 वाला चेक है ना वो बैंक ने अप्रैल में क्रेडिट किया, अप्रैल में, और हम लोग बीआरएस कब बना रहे हैं, आपका 31 मार्च को बना रहे हैं। तो मेरे बच्चे मार्च तक हमें क्या दिख रहा है, मार्च तक क्या दिख रहा है कि हम लोगों ने जो चेक जमा किया था ना वो कितना, 36,000 का, लेकिन पासबुक में एंट्री अभी तक कितने का है, कहता है कि 6,000 का एंट्री अप्रैल में हुआ है, यानी कि हम ये मानेंगे कि 6,000 का एंट्री तो अप्रैल में, तो मार्च में हमारा जो बैंक में एंट्री हो चुका है वो कितना, तो 36 माइनस 6 आपका 30,000 रुपए। समझो मेरी बात ना, हमने 4 चेक बैंक में जमा किया था, 4 में से कहता कि एक जो चेक है 6,000 का वो अप्रैल में बैंक ने क्रेडिट किया, तो उस चेक को छोड़ के बाकी आपका इसी महीने क्रेडिट हो चुका होगा, क्योंकि जनरली बैंक ना हमारे अकाउंट में पैसा जमा करने में जनरली 3 दिन का समय लेता है, अगर कोई दिक्कत ना हो तो, कोई छुट्टियां बीच में ना हो तो। तो इसका मतलब कि कैश बुक आपका 36 है और जो हमारा पासबुक है वो आज यानी कि 31 मार्च तक कितने से अप है जी, सिर्फ 30,000 से, वो 6,000 से अभी अप नहीं है। तो मुझे बताओ मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था याद कीजिए, हमने जिसका यहाँ पे नाम लिखा है हम उसी में चेंज करेंगे, यानी कि कैशबुक में हमें चेंज करना है और ऐसे चेंज करना है कि पासबुक के पास आ जाए यहाँ पे। तो मुझे बताओ इसको अप करना होगा कि डाउन करना होगा, सर इसको डाउन करना होगा तब यहाँ पे आएंगे। कितने से डाउन करना होगा, 6,000 से, 6,000 से, क्योंकि ये 30 है ना, ये 36 है, तो 30 पे लाने के लिए 6,000 से डाउन करना पड़ेगा। डाउन करने के लिए क्या करना होगा, ये डाउन का मतलब माइनस कॉलम है, तो आपको यहाँ पे माइनस कॉलम में रिकॉर्ड करना होगा। इट्स ए सिंपलेस्ट वे टू प्रिपेयर द बीआरएस। और मेरे बच्चे मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, मैं अभी भी कह दूं, वी आर नॉट रेक्टिफाइंग एनी मिस्टेक, यहाँ कोई रेक्टिफिकेशन नहीं हो रहा है, वी आर प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट ओनली टू सबमिट इट टू आवर सुपीरियर कि देखो जी दीज आर द रीजंस बिहाइंड डिफरेंसेस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक, और कोई रीजन नहीं मेरे बच्चे। वो रिपोर्ट कैसे बनता है वो तरीका आपको बताया जरा, ठीक है ना, इसको प्लीज कॉपी करेंगे। मैं इसको मिटाऊंगा बट आप नहीं मिटाएंगे, आपके पास काफी बड़ा रजिस्टर है, आप उसमें लिखते चले जाएंगे इसी के नीचे नीचे में, लेकिन मैं मिटाता हूं क्योंकि मुझे यहीं पे आपके सारी एंट्री दिखाना है, तो मैं अब इसको हटाता हूं, ठीक है ना। ये आपने समझ लिया होगा कि एक में 36 की एंट्री है, एक में आपका 30 की, तो ये निकल के आया। अब आइए थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे, थर्ड पैराग्राफ क्या बता रहा है, बिट्टू हैड इशूड 24th मार्च को 35 का चेक। मैं पहले समझाऊंगा, पहले मैं आपको समझाऊंगा, ये हमारा इस दिन पे 31st मार्च को मेरे बच्चे बीआरएस बन रहा है, 31st मार्च को बीआरएस बन रहा है। कहता है कि 35,000 का मतलब कि कैशबुक में 35,000 हमने क्या किया था, यहाँ पे माइनस किया था, 35,000 का चेक हमने इशू किया, इशू मतलब किसी को दिया कि जाओ जी हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लेना, कितने का था, 35 का। कहता है कि ऑफ दिस इसमें से 27,000 का हैड बीन प्रेजेंटेड एंड पेड, मतलब जिन लोगों को हमने चेक दिया था ना बच्चे, वो कहता है कि इस समय तक 27,000 का जो चेक है वो आपका प्रेजेंट हुआ और हमारे अकाउंट से निकल गया। तो ये 35 से डाउन है, यहाँ पे 27 का डाउन है फिलहाल तक, है ना, 27,000 रुपए। मतलब हमने कई लोगों को दिया था चेक जी जो 35 का था, उसमें से जिनको हमने 27,000 का चेक दिया था उन्होंने हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लिया है, तो पासबुक आपका डाउन है। आगे पढ़ना और क्या बता रहा है, While वन चेक फॉर 1,000 was returned for conversion into a bearer चेक। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, मैं एक चेक निकाल दूं अगर मेरे पास चेक हो तो, मेरे पास चेक तो नहीं है बट मेरे पास एक टिश्यू पड़ा हुआ है, चलो मैंने ये चेक का रूप बना लिया, ये चेक है, पता है ये जो 35,000 का है ना जो हमने चेक कई लोगों को दिया था, उसमें से किसी एक आदमी को, एक किसी पार्टी को मैंने ये चेक दिया था जी 1,000 का,
1000 का चेक दिया था बच्चे, ये 1000 का चेक है। जिस आदमी को हमने 1000 का चेक दिया था, उस चेक पे हमने क्या किया था, यहाँ पे डबल लाइन से क्रॉस कर दिया था। आपको पता है, आप अपने मम्मी पापा से पूछना कि चेक पे अगर हम डबल लाइन से क्रॉस कर देते हैं तो क्रॉस करने का मतलब बच्चे कि जिसका नाम यहाँ पे चेक में लिखा हुआ है ना, वही आदमी इस चेक को अपने अकाउंट में जमा करेगा, अपने अकाउंट में जमा करेगा और बैंक से बैंक में ही पैसा ट्रांसफर हो सकता है। मतलब मैंने ये चेक मान लो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे या तो क्रॉस करके या फिर लिख दिया मैंने अकाउंट पे या क्रॉस करके, तो अगर ये चेक मैंने आपको दिया है ना, तो आप क्या करोगे, आप इस चेक को अपने बैंक में जमा करोगे और आपका बैंक वाला ही मेरे बैंक वाले से पैसा निकाल के आपके अकाउंट में जमा कर सकता है और इस चेक के बदले में कोई तरीका नहीं है पेमेंट लेने का। लेकिन शायद जिसको मैंने ये चेक दिया था उसको बैंक में जमा नहीं करना था, उसको कैश निकालना था, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे पास आया, मेरे पास मतलब कि फर्म के पास, बिट्टू के पास, और कहा कि भैया ये चेक जो है ना, ये आप मुझसे वापस ले लो और हमें एक बियरर चेक दे दो। बियरर चेक का मतलब होता है कि ये जो दो लाइन हमने यहां पे क्रॉस किया था ना, वो क्रॉस नहीं करो। तो पता है बियरर चेक में क्या फायदा होगा, अगर ये चेक मान लो मैंने आपको दिया है तो आप डायरेक्टली मेरे बैंक में जाओगे, वहां से कैश विड्रॉ कर सकते हो, कैश निकाल सकते हो, या फिर आप इसको किसी और को भी दे सकते हो कि जाओ जी आप निकाल देना। ये बियरर चेक का फायदा होता है, ये हम जानते हैं शायद, या हम थ्योरी में पढ़ेंगे अलग से, आपको इसी चैप्टर में बताऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब मेरे बच्चे कि यहां क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 का जिसको मैंने चेक दिया था उसने क्या किया, चेक मुझे वापस कर दिया, मुझे मतलब कि इसको बिट्टू को, और बिट्टू ने क्या किया, 1000 का फिर से नया चेक दिया जिसको बोलते हैं बियरर चेक। एक बार चेक करो कि वो जो 1000 का चेक मैंने दिया था उसका क्या हुआ। कहता है आगे पढ़ना, दिस वॉज डन, पढ़ेंगे आप फिर से, पढ़ लो थर्ड पैराग्राफ स्टार्टिंग से पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। बिट्टू हैड इश्यूड ऑन 24th मार्च चेक फॉर 35,000, आउट ऑफ दिस चेक फॉर 27,000 हैड बीन प्रेजेंटेड एंड पेड, व्हाइल वन चेक फॉर 1000 वाज रिटर्न्ड फॉर कन्वर्जन इनटू अ बियरर चेक। जिसको हमने चेक दिया था बोला भैया इसके बदले में बियरर चेक दे दो, कहता दिस वाज डन, हमने उसको दे दिया, और कहता कि प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बिफोर 31st मार्च, और वो चेक भी 31st मार्च के पहले, मतलब कि इस डेट के पहले प्रेजेंट हुआ और मेरे अकाउंट से पैसा निकल गया। इसका मतलब मेरे बच्चे 27 का निकल गया और फिर प्लस अभी 1000 रुपए और भी जो चेक था वो भी मेरे अकाउंट से पैसा निकल गया, यानी कि टोटल पैसा मेरे अकाउंट से अभी तक कितना निकल चुका है, 28,000। हमने एंट्री कितने से कम किया हुआ है, 35 से, तो हमने कैशबुक को 35 से कम किया हुआ है और पासबुक 28 से कम हो गया। आगे पढ़ो, कहता है कि दिस अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द फिगर ऑफ 35, ये तो ऑब्वियस बात है, वो कह रहा है कि जो ये 35 का है ना उसी में से ये भी चेक था, तभी तो हम कर रहे हैं, हम इसी के कोरस्पोंडिंग देख रहे हैं जी कि ये तो 35,000 का आपका कम हुआ, यहाँ पे 27 प्लस 28 का कम हो चुका है। आगे पढ़ना, अदर्स वेर नॉट येट प्रेजेंटेड, मेरे बच्चे बाकी जो चेक है ना वो चेक अभी तक इस दिन तक प्रेजेंट नहीं हुए, तो बाकी चेक कितने का आपका हो गया यहाँ पे 7000 का, है ना 7000 का। तो हम इसको क्या बोलेंगे, लिखिए मेरे साथ यहां पे, चेक्स इश्यूड, चेक्स हमने इश्यू किया है, दिया है कि जाओ मेरे अकाउंट से पैसा निकालना, बट नॉट येट प्रेजेंटेड। येट प्रेजेंटेड यानी कि जिस दिन हम लोग इस अकाउंट को बना रहे हैं, जिस दिन हम अकाउंट बना रहे हैं उस दिन तक प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो मेरे बच्चे कैशबुक और यहां पे पासबुक देखो ना, कैशबुक हमारा डाउन कितने से हो चुका है, 35,000 से, पासबुक आपका डाउन कितने से हो चुका है, आपका 28,000 से। 28 कैसे आया लिख देता हूं ताकि रिविजन में दिक्कत ना हो, 27,000 प्लस 1,000। और मैं आपको बता दूं एग्जाम में ये बातें कहां लिखना है, आपको वर्किंग्स में दिखाना है, ये आंसर का पार्ट मत बना देना, आपको तो आंसर सिंपली जो डिफरेंसेज है ना वो 8,000 से उससे पास करना है। अब मुझे ये 7,000 मुझे बताओ किससे बढ़ रहा हूं, कैशबुक, कैशबुक हमारा यहां पे है, मैं पासबुक यानी कि यहां पे आने के लिए क्या करूं, इसको अप करूं कि डाउन करूं, सर अप करना होगा, अप का मतलब क्या, प्लस करना होगा, कितने से करना होगा, 7000 से। तो आप इस एंट्री को प्लस कॉलम में लेकर आइए 7000 से, ठीक है ना, इट्स वेरी सिंपल, बहुत दिमाग आप शांत करके कीजिए, देयर इज नथिंग, थोड़ा सा लैंग्वेज है उसको समझना, बाकी क्वेश्चन आप जानते हैं। सुनो ना अब आगे क्या बता रहा, आगे पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3, मैं इसको मिटाकर, इसको अपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटाकर और यहां पे पहले जगह बना लूं, ठीक है ना, ये हमने कर लिया है यहां पे। आइए अगला पढ़ेंगे, कहता है कि यू ऑल्सो फाइंड दैट ऑन 31st मार्च 22, कहता है कि हमने देखा कि इस 31st मार्च
तक क्या बता रहा जी कि बैंक हैड डेबिटेड, बैंक ने डेबिट किया मतलब क्या, हमारे अकाउंट से माइनस किया है। कितना माइनस किया है, कहता है कि 1400 आपका एक तो इंटरेस्ट के लिए, और कहता है कि 124 बैंक चार्जेज, 124 बैंक चार्जेज यानी कितना हो गया 1520 मेरे बच्चे। कहता है कि बैंक ने आपके अकाउंट से डेबिट कर लिया है, डेबिट मतलब क्या माइनस, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि बैंक जब भी डेबिट करेगा इसका मतलब क्या हमारे अकाउंट से माइनस करेगा। तो बैंक ने क्या किया यहाँ पे 1520 माइनस किया है, लेकिन कहता है कि बट नॉट रिकॉर्डेड दिस अमाउंट्स इन द बुक, बुक मतलब कि हमारा बुक, हमारा बुक कौन सा है कैश बुक, तो हमारे कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं है, यहाँ पे है। तो आओ ना कर लेते हैं, मैं दोनों को अलग अलग दिखा देता हूँ, आप एक साथ भी कर सकते हो कोई बात नहीं, बट अलग लिख लो आप, ये एक साथ ही कर लेता हूं। बैंक चार्जेज एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डेबिटेड, डेबिटेड बाय द बैंक, बाय द बैंक। सर बैंक यहां पे इंटरेस्ट क्यों डेबिट करेगा, इंटरेस्ट क्यों डेबिट करेगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है बदमाश, ओवरड्राफ्ट पे बैंक इंटरेस्ट देता है, तो उसने हमारे अकाउंट से माइनस कर लिया। लेकिन कहते हैं कि बट नॉट येट रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड कहां जी इन कैश बुक, हमारा जो कैश बुक है उसमें कहता है कि इसकी एंट्री नहीं है। मैं इसको शॉर्ट में, क्योंकि जगह कम ना पड़े, आपने लिख लिया होगा, इन सी बुक कर देता हूं, कैश बुक आपका, कैश बुक, ठीक है ना। तो ये देखो हमारा क्या इंपैक्ट दिख रहा है बच्चे, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, आप इसको यही दिखाएंगे, पासबुक हमारा दोनों मिला के कितने से कम हो चुका है 1520, कैशबुक हमारा वहीं पे है, हम किससे बढ़ रहे हैं कैशबुक से। इसमें क्या करूं कि यहां पे आ जाऊं, इसको अप करना होगा कि डाउन करना होगा, सर डाउन करना होगा, डाउन का मतलब क्या माइनस कॉलम में लिखना 1520 आपका माइनस कॉलम में, तो हमने माइनस कॉलम लिख दिया, इसको मैं मिटा दूं अगर आप कहें तो, क्योंकि ये हो चुका होगा 1520 का अमाउंट आपका। आप चाहो तो 1400 का अलग, 120 का अलग भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, बट इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ना, और क्या बता रहा आपको यहां पे, अगला बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है, कहता कि टोटल ऑफ अ पेज ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक 9670 वाज कैरी टू द नेक्स्ट पेज एज 6790। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, मैं आपको बता दूं, मेरे पास आज ना यहां पे कोई रजिस्टर नहीं दिख रहा है, अदर वहां मैं समझाता, चलो मैं इसी में समझा देता हूं। पता ये मान लो मेरा कैश बुक है, और एक्चुअली ये जो बातें हैं ना, ये बातें आज के डेट में इरेलीवेंट है, आज तो कंप्यूटर का जमाना आ चुका है, कौन रजिस्टर में एंट्री करता है, कोई रजिस्टर में एंट्री नहीं करता, आज कंप्यूटर में एंट्री होता है, बट कोई बात नहीं, हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है जी, हम कौन सा कहें कि अभी रियल लाइफ में अभी हैं, हम तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ये उन समय से आपको लिंक करना पड़ेगा जब हमारा कैशबुक रियली में रजिस्टर में बनता था, पेजों पर बनता था। तो पता क्या बता रहा है कि टोटल ऑफ ए पेज ऑन डेबिट साइड ऑफ द कैशबुक, मान लो ये हमारा कैशबुक है, ये हमारा क्या है जी कैशबुक आपका है, तो कहता है कि कैशबुक का आपका डेबिट साइड, मैं यहां पर दिखा दूं क्या, यहां ज्यादा क्लियरिटी रहेगा। ये लो मैंने वो क्या किया, ये हमारा जी रजिस्टर का आपका पेज है, और हम कैशबुक यहां पे बना रहे हैं, कैशबुक ये फर्स्ट पेज है, पहला पेज आपका फर्स्ट पेज, ठीक है ना। फिर ये अगला पेज है सेकेंड पेज, जो कैश मतलब कि ये पेज आपका भर गया तो हम क्या करेंगे, जब ये पूरा फिल हो गया तो दूसरे पेज पे जाएंगे ना बच्चे, तो ये हमारा कैशबुक का क्या है सेकंड पेज है, सेकंड पेज आपका। कहता है कि आपने क्या किया, ये कैशबुक में जो आपने एंट्री पास किया हुआ है, तो कैशबुक का जो डेबिट में यानी कि इस साइड में रिसीट साइड में है ना, कैशबुक का डेबिट साइड क्या होता है रिसीट साइड। कहता है कि टोटल ऑफ ए पेज ऑन डेबिट साइड, इसका जो टोटल था आपका यहां पे वो आया था 9670 इसका डेबिट साइड का मतलब रिसीट साइड का। और जब ये पेज भर गया ना बच्चे, तो हमने सोचा कि यार अगले पेज पे यानी कि सेकंड पेज पे पहले ये बैलेंस यहां लिख दूं आपका 9670 और फिर जो अगली एंट्री होगी उसको मैं यहां पे पास करूंगा, ताकि पिछला पेज बार बार ना देखना पड़े। हमने इसमें डेबिट का टोटल निकाला, उस टोटल को यहां लिखा, फिर बाकी की एंट्री, तो इससे क्या हुआ कि वो ठीक रहता, मतलब बार बार हमें पिछला पेज नहीं देखना जाता। लेकिन मेरे बच्चे हमारा ये जो बिट्टू है ना, इस बिट्टू का जो अकाउंटेंट है वो बदमाश है, वो ठीक से नहीं पढ़ता, उसने क्या किया पढ़ो जरा, टोटल ऑफ ए पेज ऑन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक जो कि 9670 था, 9670 उसने गलती से यहां पे 9670 के जगह पे उसने गलती से कितना लिख दिया 6790 और फिर बाकी एंट्री उसने करना शुरू कर दिया।
अब आप खुद सोचो इससे क्या हुआ होगा। ये गलती मेरे बच्चे कैशबुक में हुई है ना, कैशबुक में, तो कैशबुक में गलती हुआ होगा, पासबुक में तो कोई गलती हुआ नहीं होगा, पासबुक तो ठीक रहा आपका। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ, ये रहा कैशबुक, ये रहा पासबुक। आप मुझे बताओ कैशबुक जो 9670 आपको लिखना चाहिए था डेबिट में, रिसीट साइड में, वहां पे आपने 6790 लिखा, तो मुझे बताओ कैशबुक का रिसीट्स, कैशबुक का जो रिसीट्स है, रिसीट्स वो आपने कम लिखा कि ज्यादा लिखा? कम लिखा। कितने कम जी? 9670 के जगह पे आपने 6790 लिखा है, यानी कि मेरे बच्चे जो आपका कैशबुक है ना वो आपने कम लिखा है। कम कितना? 2880 एज कंपेयर टू पासबुक। इट्स वेरी सिंपल। आपको रिलेट करना होगा एक तब के जमाने से जब हम रजिस्टर में सारी बातें एंट्री करते थे। रजिस्टर में मेरे बच्चे पहले आपका पेज भर गया तो पहले के अकाउंटेंट क्या करते थे कि बार बार पिछला पेज ना पलटना पड़े, तो जितना भी फर्स्ट पेज में एंट्री हुआ है उसका टोटल जो है वो आपका अगले पेज पर लिखा जाता था, रिसीट साइड का। पेमेंट साइड का जो टोटल होता था वो आपका यहां लिखा जाता था, फिर आगे की एंट्री हम कंटिन्यू करते थे। अकाउंटेंट ने एक गलती किया, जो 9670 यहां पर लिखना था उसको क्या किया उसने, 6790 लिख दिया। आप देखो ना, बैलेंस यहां पे कम लिख दिया, तो यानी कि लास्ट में जो आपका कैशबुक का बैलेंस निकला होगा वो कम निकला होगा, क्योंकि रिसीट्स आपने कम दिखाया। कितना कम? 2880। तो ये कुछ ऐसा है आपका, लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे रिसीट साइड, रिसीट्स साइड ऑफ कैशबुक, कैशबुक हैज बीन अंडरकास्ट। कम लिखा ना हमने, अंडरकास्ट मतलब कि कम हमने उसका टोटल लिखा, अंडरकास्ट बाय रुपीज कितना जी? 2880। और आपको रिवीजन में दिक्कत ना आ जाए इसलिए मैं लिख रहा हूं ये 2880 कैसे आया जी, तो हमारा 9670 माइनस आपका 6790, ये आपका यहां पर निकल गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, दिस इज आवर कैशबुक, दिस इज आवर पासबुक। और कैशबुक का अगर ये देखो इसका इंपैक्ट क्या है जी, कि आपका कैशबुक का रिसीट्स कम दिखा, कम मतलब क्या, कैशबुक कम दिख रहा है, तो कैशबुक आपका 2880 यहां पे कम दिख रहा है, 2880, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हम BRS बना रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, इट्स नॉट ए रेक्टिफिकेशन। ये मत सोचना कि ये जो आपका कम हो गया तो हम चलो जी सही कर देते हैं, हमें सही नहीं करना मेरे बच्चे, हमें बस अपने सीनियर को, या फिर अगर हम सीनियर हैं तो हमारा जूनियर जो रिपोर्ट भेजेगा ना उसमें देखो BRS में ऐसे आपका दिखा रहेगा ये। अब आपका कैशबुक यहां पे है, हम कैशबुक से बढ़ रहे हैं, बताओ पासबुक में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अप करना पड़ेगा। अब कितना? 2880, तो अप का मतलब क्या? प्लस, तो आपको प्लस कलम में 2880 को लिखना होगा। ये मत सोचना कि हम कोई रेक्टिफिकेशन करें, बार बार इसलिए बोला क्योंकि बच्चे गलतियां करते हैं, वो सोचते हैं कि हम यहां रेक्टिफाई कर रहे हैं कि ठीक है कैशबुक का बैलेंस आपका 2880 कम हो गया तो इसको बढ़ा दो वो गलती सुधर जाएगा। हम सुधार नहीं रहे बच्चे गलती, हम गलती नहीं सुधार रहे, हम तो दोनों में डिफरेंसेस जो है ना उनको बस अपने आगे जो हमारी मैनेजमेंट है उसको दिखाना चाहते हैं कि ये रीजन से डिफरेंस से जाने का और कुछ भी नहीं आपका, ठीक है ना। तो प्लीज इसको कॉपी करेंगे 2880। अब मैं इसको मिटाऊंगा, मैं अगले पॉइंट पे आपको लेकर आऊंगा, यहां पर भी मुझे विश्वास है आपको पूरी क्लियरिटी आ गई होगी। और अगर आपको ये जो चीजें मैं लिख रहा हूं ना, आप चाहो तो रफ में इसको लिख सकते हो ताकि आपको रिविजन करने के टाइम पे आपको दिक्कत ना आए, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं, सुनिए मेरी बात ध्यान से, वो क्या बोल रहा है पढ़ेंगे आगे, सुनो ना, ये भी पॉइंट हो गया। अगला कहता है, इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट द टोटल ऑफ वन पेज ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द कैशबुक वॉज 5670 बट इट वॉज रिटर्न ऑन द नेक्स्ट पेज 7650। लो फिर से गलती, मुझे मैंने क्यों मिटाया वो ऐसे ही छोड़ देता। ये देखिए हमारा कैशबुक है, ये कैशबुक का मेरे बच्चे ये पहला पेज है, मैं लिख देता हूं फर्स्ट पेज आपका, ये हमारा रिसीट साइड होता है, ये हमारा पेमेंट साइड होता है, ठीक है ना। और ये रहा हमारा कैशबुक का क्या जी, सेकेंड पेज आपका, ये हमारा कैशबुक का आपका है सेकेंड पेज। इस बार गलती आपको किस साइड बता रहा है? पेमेंट साइड में। क्या वो गलती बता रहा है? कहता है कि पेमेंट साइड में यहां पे जो एंट्री हुई है इन सब का एंट्री का जो टोटल था आपका कितना था जी? 5670। ये था बच्चे 5670। ये 5670 जब हम यहां पर लेकर आए अगले पेज पे, तो गलती से हमने इसको कितना लिख दिया? 7650। बहुत ध्यान से, जल्दबाजी कुछ नहीं है, आपको बस यहां पे समझ में आएगा।
एक बच्चा कहता है कि सर रेक्टिफिकेशन का भी यहाँ पे इस चैप्टर में आएगा आएगा बच्चे, अभी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा देर बाद, आप चिंता नहीं कीजिए, पहले यहाँ पे दिमाग रखे, अदरवाइज कन्फ्यूजन आपको क्रिएट होगा। अभी हम सिर्फ रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, बीआरएस बना रहे, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन बाद में देखेंगे इस चैप्टर में। अभी मैं कह रहा हूँ कि ये कह रहा है कि भैया कैशबुक का जो पेमेंट साइड था, पेमेंट साइड जो 5670 था, जब हम नेक्स्ट पेज पे गए तो यहाँ पे गलती से क्या लिख दिया हमने, 7650 लिख दिया। अब आपको समझना होगा कि यहाँ पे हुआ क्या है, ये रहा हमारा कैशबुक, ये रहा हमारा पासबुक, यहां तो कोई गलती नहीं है, यहां पे बच्चे यहां पे क्या हुआ, आप मुझे बताओ कि पेमेंट को जो पैसे हमने बैंक से निकालने की जो एंट्री की है, उस पेमेंट को आपने कम लिखा कि ज्यादा लिखा, बताइए। पेमेंट जो आपका 5670 था उसके जगह पे आपने 7650 लिख दिया, तो पेमेंट आपने कम लिखा कि ज्यादा लिखा, सर ज्यादा लिख दिया पेमेंट मेरे बच्चे, आपने ज्यादा लिख दिया क्योंकि इतना ही टोटल पेमेंट हुआ था, बट गलती से आपने इतना अमाउंट लिख दिया। पेमेंट ज्यादा लिखने का मतलब कि कैशबुक में पेमेंट अब आपको ज्यादा दिख रहा है, जब लास्ट में हमने बैलेंस निकाला होगा कि हमारे पास कितना है, तो उसमें पेमेंट आपको क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, और पेमेंट ज्यादा दिखने का मतलब कि कैशबुक का बैलेंस कम दिख रहा होगा। दोबारा आ जाइए, मैं और आराम से बात करता हूं, मुझे अच्छा लगता है जब मैं आपसे आराम से बात करता हूं। कहता है कि देखो जी, कैशबुक का पेमेंट साइड, पेमेंट का टोटल जो 5670 था वो गलती से आपने 7650 लिखा, तो मेरे बच्चे पेमेंट आपने जितना था उससे ज्यादा लिख दिया ना। आप मुझे बताओ कि अगर मैं कैशबुक में पेमेंट को ज्यादा दिखाऊंगा, तो पेमेंट ज्यादा दिखाने से कैशबुक का जो बैलेंस दिख रहा होगा, फाइनल बैलेंस, वो ज्यादा दिख रहा होगा कि कम दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा। जितना ज्यादा पेमेंट दिखाओगे बैलेंस उतना कम दिखेगा, जितना ज्यादा रिसीट्स दिखाओगे उतना बैलेंस आपको ज्यादा दिखेगा। तो पेमेंट साइड आपने ज्यादा लिखा तो बैलेंस क्या कम, कम का मतलब कि अगेन कैशबुक यहां पे डाउन है ना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं यहां पे इसको शॉर्ट में कि पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक हैज बीन ओवरकास्ट, हमने ज्यादा लिखा हुआ बच्चे पेमेंट को, ओवरकास्ट बाय रुपीज, कितने से जी, तो जरा चेक कीजिए दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है आपको। यहां पे वो कहता है कि 7650 माइनस आपका 5670, ये आ गया आपका 1980। रिवीजन में दिक्कत ना हो इसलिए बता देता हूं ये कैसे निकल के आया। तो 7650 माइनस आपका यहां पे कितना जी, 5670, ठीक है ना। इतने से कहता है कि आपका ओवरकास्ट है। तो हमने क्या देखा कि कैशबुक पासबुक पेमेंट ज्यादा मतलब क्या, बैलेंस कम दिख रहा है जी, कैशबुक हमारा यहाँ पे है, हमें यहाँ पे पहुंचना है, तो हम इसको क्या करेंगे, अप करेंगे। अप का मतलब कि प्लस करना, कितना जी, प्लस में आपका 1980 का अमाउंट, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे आपका काम किया, बिल्कुल ध्यान से, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक वर्ड को बहुत प्यारे तरीके से आपको इंटरप्रेट करना है, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, यही इस चैप्टर का मंत्र मेरे बच्चे, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आओ ना और देखते, अब तो कुछ बचा नहीं, खत्म हो गया सब कुछ आपका। तो आप एक काम कीजिए ना कि अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लोज करके और देखते हैं कि हमारे पास फाइनल बैलेंस क्या निकल के आ रहा है। चेक करते हैं कौन साइड बड़ा है, हमें तो ये बड़ा दिख रहा है, 17000 प्लस आपका 6000 प्लस आपका 1520, ये आ गया 24520, यहां पे लिखिए 24520, इसमें से माइनस करो, एक तो 7000 का अमाउंट, एक 2880 का अमाउंट, एक 1980 का अमाउंट, ये आ गया मेरे बच्चे यहां पे 12660। अब हमें सोचना है इसके बारे में, आप जानते हैं कि अगर ये एज पर कैशबुक है तो हम इसे क्या बोलेंगे जी, एज पर पासबुक, हम इसे क्या बोलेंगे, एज पर पासबुक। अब हमें एक ही बात सोचना है, ये ओवरड्राफ्ट था, ये क्या है, तो आप चेक करो बैलेंस आपका सेम साइड आया कि अपोजिट साइड आया। सर बैलेंस आपका यहां पे अपोजिट साइड आ रहा है, यहां पे माइनस तो यहां पे प्लस में, याद कीजिए पिछली क्लास कि अगर बैलेंस अपोजिट साइड आएगा तो सेम टाइप ऑफ बैलेंस को बताएगा। सेम टाइप का मतलब कि अगर ये ओवरड्राफ्ट है तो ये भी यहां पे क्या बोला जाएगा, ओवरड्राफ्ट ही कहा जाएगा। एंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप मेरी बातें समझ रहे हो ना, बोलो ना हाँ, अरे बोलो ना एक बार हाँ, इसमें कोई दिक्कत आपको है क्या, क्या ये क्वेश्चन आपको परेशान किया, क्या क्या आपको ऐसा लग रहा है क्या कि संतोष सर आज पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं,
ऐसा लग रहा है क्या? नहीं सर, ये तो बहुत सिंपल है, कुछ नया नहीं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन लेवल को हाई रखना पड़ेगा और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आओ मैं थोड़ा और आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल को चेक करूं कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना हाई है, और इसी प्रोसेस में बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करूंगा। याद रखना, जितने भी क्वेश्चंस आज कर रहे हैं ना बच्चे, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे, सभी का यही तरीका होगा, लेकिन कौन लैंग्वेज को कितने अच्छी तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहा है विद फुल कॉन्सेंट्रेशन, वही क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व कर पाएगा, और दूसरा इसका कुछ भी नहीं है। एक बात और बता दूं, जो सेंटेंस मैं यहां पर लिख रहा हूं, जरूरी नहीं मेरे बच्चे कि आपको एग्जैक्टली यही वर्ड लिखना है, आप अपने हिसाब से सेंटेंस बनाओ ना, कुछ भी लिखो, बस उसका मीनिंग ये निकल के आना चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आओ जरा एक बार 9th क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो जरा यहाँ पे 9th क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ, पढ़ो पढ़ो क्या बता रहा आपका, अच्छा लगेगा। 9th क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैंने कहा था फुल कॉन्सेंट्रेशन, आपको अगले मतलब कि 15 से 20 मिनट आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई होने वाला है, मतलब इतना हाई कि मेरे बच्चे दुनिया के जितने सारे गम हैं उनको भूलना पड़ेगा। अभी क्लास शुरू करने के पहले आपके मम्मी पापा ने आपको चप्पल से, जूते से, डंडे से, पता नहीं किस किस चीज से कितना कितना कहाँ कहाँ पीटा है, हमें खुद नहीं पता, उसको भी भूलना होगा मेरे बच्चे। किसी ने धोखा दिया है, किसी ने दर्द दिया है, किसी ने दुख दिया है, किसी तरीके की परेशानी है, कोई गर्मी है, कोई सर्दी है, सब कुछ भूलना होगा आपको। इस क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन लेवल को हाई रखना होगा, बस और कुछ नहीं। आओ जरा मैं आपको दिखाऊं हमारा 9th क्वेश्चन कितना है। और जब मैं आपको बोलता हूं ना कि आपके मम्मी पापा ने जूते चप्पल से पिटा होगा, तो इसमें बदनामी मत समझना, क्योंकि ये भी एक पिटाना भी हमारे लिए खूबी की बात होती है। हम तो, मैं कैसे बताऊं, बचपन में मेरे मम्मी पापा ने हमें इतना पिटा है कि अगर हम ना पिटाते ना तो फिर शायद हम ऐसे रहते भी नहीं, फिर तो हम भी बदमाश बन के रहते। तो पिटाई खाना ठीक है, आज तो मैं भगवान से बोलता हूँ कि पापा थोड़ा मम्मी पीटे, लेकिन पीटते नहीं है, बोलते कि बच्चा बड़ा हो गया, पता नहीं उनको कैसे लगता मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन उनके लिए तो हमेशा छोटा रहूंगा, हमेशा वो हमारे लिए हमेशा मम्मी पापा रहेंगे। तो पीटते हैं तो आप उसको खुश नसीब ही समझो, क्योंकि जब बड़े हो जाओगे ना तो तरसोगे कि आपके मम्मी पापा आपको पीटे, बट वो नहीं पीटेंगे, फिर बुरा लगता है। आओ 8-9 क्वेश्चन देखते हैं, इमोशन में नहीं जाना अभी आपको, अभी आ जाओ 9 क्वेश्चन में। अरे कहता है कि परफेक्ट प्राइवेट लिमिटेड हैज 2 अकाउंट विद एवर बैंक लिमिटेड, कहता है कि परफेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के पास दो आपका कहता है कि अकाउंट है। अच्छा, एक कंपनी है जी जिसका हम BRS बनाने हैं, जिसका नाम है परफेक्ट बैंक लिमिटेड, परफेक्ट क्या नाम है, प्राइवेट लिमिटेड, परफेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका एक आपका कंपनी है, और कहता है कि एक बैंक है इवर बैंक लिमिटेड। बैंक कौन सा है? इवर बैंक, ये ऐसा कोई है नहीं, मतलब नाम उल्टा सीधा। इस बैंक में कहता है कि इनका 2 अकाउंट चल रहा है, अकाउंट 1 एंड अकाउंट 2, 2 अकाउंट चल रहा है, 2 अकाउंट। तो फिर हमने कहा था कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई होगा, बस कहता है 2 अकाउंट चल रहा है। कहता है कि पहला जो अकाउंट है ना उसमें 1,25,000 का डेबिट बैलेंस है। मेरे बच्चे 1,25,000 का कहता है कि यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो मुझे बताओ जरा, कहता है, एक बार दोबारा सुन लो, एक बार दोबारा स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। परफेक्ट बैंक प्राइवेट लिमिटेड हैज 2 अकाउंट विद एवर बैंक लिमिटेड, द अकाउंट्स वेर नोन एज अकाउंट 1 अकाउंट 2 एज ऑन 31st March 2022, द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स बुक। अकाउंट्स बुक मतलब क्या? हमारा कैश बुक है ना, अकाउंट्स बुक यानी कि हमारे कैश बुक की बात कर रहा है। उसमें कहता है कि 2 अकाउंट दिख रहा है, तो कैश बुक में डेबिट मतलब जी पॉजिटिव बैलेंस है ये। और दूसरा वाला जो अकाउंट है ना उसमें कहता है कि 1,11,250 का बैलेंस है, और कहता है क्रेडिट मतलब क्या? यहाँ पे निगेटिव बैलेंस है ना। ये देख लीजिए ना, अगर आपको विश्वास नहीं है कि आपका डेबिट बैलेंस का पासबुक में क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है जी, पासबुक में क्रेडिट मैंने सॉरी कैशबुक में, कैशबुक के मुताबिक कैशबुक में डेबिट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव बैलेंस, और कैशबुक में क्रेडिट का मतलब क्या हो जाएगा? निगेटिव बैलेंस। तो वही आपका यहाँ पे दोनों का बता रहा है, और याद रखना ये दोनों बैलेंस कैशबुक में बताए जा रहे हैं, कैशबुक में। आगे पढ़ना क्या बोलता है, कहता है कि द अकाउंटेंट फेल्ड टू टैली द बैलेंस विद द पासबुक एंड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल। वो पासबुक का बैलेंस इसे मैच नहीं कर रहा दोनों अकाउंट का, कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है ABCDEFG, बाद में पढ़ेंगे, जी पॉइंट के बाद लास्ट लाइन पढ़ो क्या बता रहा है, जी पॉइंट के बाद।
यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर अकाउंट वन। मेरे बच्चे, वो सिर्फ अकाउंट वन का आपको कहता है कि बीआरएस बनाना है, मतलब अकाउंट टू का नहीं पूछता, सिर्फ अकाउंट वन का बनाइए आप। तो अकाउंट वन का हम करेंगे। कहता है कि इन रिस्पेक्ट एंड इन दिस रिस्पेक्ट द अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। मैं यहां पे थोड़ा सा आपको रोकूंगा मेरे बच्चे। यहां पे क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। एक पार्ट कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर अकाउंट वन एंड और उसके बाद की जो चीजें है ना उसको कर लो आप अंडरलाइन। एंड से लेकर जो बोल रहा है कि इन दिस रिस्पेक्ट अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज ही उसके बारे में बात करूंगा, थोड़ा सा ठहर कर। अभी पता क्या कर रहा हूं, सिर्फ मैं एक ही काम कर रहा हूं कि हमारा बीआरएस कैसे बनता है और कुछ भी नहीं। तो आइए जरा मैं आपको बीआरएस बताऊंगा। यहां पे नाइन्थ में लिखिए मेरे साथ बीआरएस एज ऑन आपका कब जी, किस डेट के बना रहे हैं हम लोग, 31st मार्च। सर बार बार 31st मार्च ही क्यों आ रहा है, कुछ भी आ सकता है बच्चे, मैं पहले बता दे रहा हूं। ये मत सोचना कि साल के एंड में बन रहा है, ये आपका मंथली बनता है जनरली, तो आप किसी भी डेट पे बना सकते हैं। ये रहा हमारा प्लस कॉलम और ये रहा हमारा माइनस कॉलम, ठीक है ना। बीआरएस जो बना रहे WRT, मैं लिख देता हूं यहां पे, WRT का मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंट वन। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो अकाउंट वन है उसका बीआरएस बना रहे हैं, नॉट टू अकाउंट टू आपका, सिर्फ अकाउंट वन का। तो आप मुझे बताओ ना कि अकाउंट वन का बैलेंस कितना बता रहा है, 125। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये बैलेंस आपका बता रहा है। अकाउंट टू में ओवरड्राफ्ट था बट अकाउंट वन में तो प्लस है। बैलेंस एज पर, और ये किसके मुताबिक है, तो कैशबुक के मुताबिक, आपका कैशबुक के मुताबिक है ना, बैलेंस एज पर कैशबुक। और वो अमाउंट कितना है, 1,25,000, क्योंकि प्लस अमाउंट है तो प्लस कॉलम में आपका, पॉजिटिव अमाउंट किसी के मुताबिक हो दैट विल कम टू द प्लस कॉलम आपका, ठीक है ना। अब आगे पढ़ेंगे, आप आगे पढ़िए क्या बता रहा है अकाउंट वन के बारे में से। अब पॉइंट नंबर ए पे आइए, पॉइंट नंबर ए पे, और सिर्फ अकाउंट वन पे फोकस करेंगे। बैंक हैज चार्ज इंटरेस्ट ऑन अकाउंट टू। अकाउंट टू पे इंटरेस्ट चार्ज किया, अकाउंट टू की तो हम बात ही नहीं कर रहे यार, क्यों सोचे, आगे बढ़ो। एंड क्रेडिटेड इंटरेस्ट इन अकाउंट वन, बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया, मतलब बढ़ाया है। याद रखना, बैंक एंगल से बात की जा रही है। बैंक जब हमारे अकाउंट में कुछ क्रेडिट करेगा, इसका मतलब क्या बच्चे, वो हमारे बैलेंस को बढ़ा रहा है और डेबिट का मतलब घटा रहा है ना। अब तो ये दिमाग में आपको बैठ जाना चाहिए। तो यहां कहता है क्वेश्चन के अंदर में कि बैंक ने अकाउंट वन में 1,250 क्रेडिट किया है, दिस वेर नॉट रिकॉर्डेड बाय द अकाउंटेंट, हमारे कैशबुक में एंट्री नहीं है। तो मैं कहूंगा यहां पे पॉइंट नंबर वन को लेकर यहां पे कि इंटरेस्ट लिखिए, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक। कैशबुक में कहता है कि उसके रिकॉर्डिंग नहीं है, तो ठीक है, ये रहा हमारा कैशबुक, ये रहा पासबुक। बैंक ने मेरे बच्चे इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, तो पासबुक को क्या किया बैंक ने, बढ़ा दिया हमारे अकाउंट में, उसने बैलेंस बढ़ा दिया कितने से, 1,250 से, 1,250। हमारा यहां पर एंट्री नहीं, तो यहीं पर दिख रहा है हम किससे बढ़ रहे हैं, कैशबुक से। क्या करूं कि मैं पासबुक के पास आ जाऊं, अप करना पड़ेगा, अप का मतलब क्या, प्लस। तो 1,250 आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, है ना। ओनली विल थिंक अबाउट आपका कैश वन और किसी के बारे में नहीं, अकाउंट वन, नॉट अबाउट अकाउंट टू। अकाउंट टू का बीआरएस नहीं बोल रहा बनाने के लिए, ठीक है। अब आइए मैं यहां पे बी पॉइंट पे लेके आता हूं, मैं इसको मिटा के थोड़ा क्लीन करूंगा, इसको आपने लिख लिया होगा, जगह एक्चुअली कम पड़ जाएगा ना, इसलिए पॉइंट टू पे आप आइए, पॉइंट टू बी लिख रहा, सॉरी, तो इसको ए कर दो, जो लिखा है वही मेंशन करो ताकि एग्जामिनर ठीक से चेक करेगा। बी में आइए, कहता कि 12,500 ड्रॉन ऑन 10th मार्च 2022। ड्रॉन मतलब कि हमारे अकाउंट से पैसा निकाला गया, फ्रॉम अकाउंट वन से, वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन अकाउंट टू। ओहो, गलत हुआ, पता है क्या बता रहा है ये आपका, ये कह रहा मेरे बच्चे कि ये देखिए आप, कैशबुक और ये पासबुक,
मैं आपको दिखा रहा हूं समझाने के लिए, ये अकाउंट वन है और ये अकाउंट टू है, है ना। तो हमारा जो अकाउंटेंट है वो भी दो अकाउंट अलग अलग मेंटेन करेगा जी, इस बैंक का अलग, इस बैंक का अलग, और पासबुक यानी कि बैंक के पास भी जो अकाउंट वन है उसकी एंट्री अलग हो रही होगी और अकाउंट टू की एंट्री अलग हो रही होगी, ये तो हमेशा होता है, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, कहता है कि 12,500 हमने ड्रॉ किया था अकाउंट वन से, यानी कि हमने अकाउंट वन से 12,500 में क्या किया था, निकाला था 12,500 रुपए, 12,500। तो 12,500 की एंट्री यहां होना चाहिए था कैशबुक में, और पासबुक में भी 12,500 की एंट्री अकाउंट वन में होना चाहिए था, क्योंकि पैसा अकाउंट वन से निकला ना, तो अकाउंट वन का यहां और अकाउंट वन का वहां भी होना चाहिए था। लेकिन मेरे बच्चे, हमारा अकाउंटेंट बहुत ही गंदा इंसान है, नलायक है, वो शायद सीओसी का बच्चा नहीं है जिसके पास कॉन्सेंट्रेशन हो, उसने क्या किया 12,500 उसने गलती से कहां रिकॉर्ड कर दिया बुक में जी, अकाउंट टू के अंदर में, अकाउंट टू मतलब कि जो यहां से माइनस करना चाहिए था उसने गलती से क्या किया जी, यहां से माइनस कर दिया। बहुत बदमाश है, हो सकता है उसके घर में दुख है, दर्द है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ठीक नहीं है, बट एनीवे हमें उसके घर में नहीं जाना, हमें अपने बीआरएस के बारे में सोचना है, ठीक है ना। ये हो गया, मतलब पासबुक में तो अकाउंट वन से ही माइनस हुआ होगा, वहां को गलती नहीं बता रहा है, गलती कहां बता रहा है, कैशबुक में, जहां यहां माइनस होना था हमने यहां पे कर दिया। आप किसका बीआरएस बना रहे हो, बोलो बोलो, आप किसका बीआरएस बना रहे हो, अकाउंट वन का कि टू का, सर वन का। तो आपको थिंक ओनली अबाउट अकाउंट वन, अकाउंट वन में क्या हुआ है, क्या नाम था इसका, क्या बोला था, 12,500 मैं लिख रहा हूं, रुपीज 12,500 ड्रॉन फ्रॉम अकाउंट वन कहता है कि रॉन्गली रिकॉर्डेड इन अकाउंट टू इन कैशबुक, है ना, कैशबुक में गलती हुआ है ना कि पासबुक में, बैंक ने सही एंट्री किया होगा यानी कि। तो मेरे बच्चे आप देखो, ये रहा कैशबुक पासबुक, क्या इंपैक्ट दिख रहा है, हमारा पासबुक तो 12,500 से डाउन है, पासबुक जो है वो 12,500 से डाउन है, लेकिन बताओ कैशबुक क्या आपका डाउन हुआ, सिर्फ वन को देखना, टू को मत देखना, क्योंकि टू का बीआरएस बोल ही नहीं रहा बनाने के लिए, अगर टू के बारे में बोलता तब तो मैं टू के बारे में सोचता। तो यहां तो मेरे बच्चे कोई एंट्री नहीं हुआ, यहां तो कोई एंट्री नहीं हुआ, यानी कि अकाउंट वन का क्या दिख रहा है कि कैशबुक आपका यहां पे है बट पासबुक डाउन हो चुका है। और कोई बात नहीं, हम आइए, हम बीआरएस बना रहे हैं, हम किससे बन रहे हैं, कैशबुक से, मैं क्या करूं कैशबुक से कि पासबुक के पास आ जाऊं, डाउन करना पड़ेगा, कितना डाउन करना पड़ेगा, 12,500 डाउन का मतलब क्या जी, माइनस कॉलम में। मैंने पिछली क्लास में आपको कसम भी दिलाया था, जब भी आपका दिमाग कहता है डाउन तो माइनस कॉलम में जाएगा, और कहता है कि अप यानी कि प्लस कॉलम में जाएगा, इसका ये मतलब होता है। कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर, प्लीज कॉपी करेंगे, फुल कॉन्सेंट्रेशन, दिमाग शांत। आप बहुत प्यारे बच्चे, इस बात का विश्वास रखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया है तो बच्चों में इतनी दहशत आ जाती है कि मैं क्या बताऊं, कि पता नहीं क्या आ गया यार, बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, क्या टफ है बदमाश, क्या टफ है। मैं इसको मिटाता हूं और सी पॉइंट पे अब आपको लेकर आता हूं, सी पॉइंट पे मैं इसको भी मिटाता हूं और इसको भी थोड़ा क्लीन करता हूं। और ये रहा, अगेन मैं इसी तरीके से दिखा देता हूं ताकि ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अकाउंट वन अकाउंट टू यहां की एंट्री देख लेता हूं, और फिर यहां पे भी अकाउंट वन अकाउंट टू यहां की एंट्री देख लेता हूं, कैशबुक पासबुक में। पॉइंट नंबर थ्री पढ़ेंगे, कहता है कि बैंक चार्जेज 150 and 1125 फॉर अकाउंट वन एंड अकाउंट टू वेर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक। बच्चे बैंक ने चार्जेज काटा है, अकाउंट वन से कितना काटा है 150, अकाउंट टू से कितना काटा है 1125। कहता है कि ये जो एंट्री है वो कैशबुक में एंट्री नहीं है, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, विल थिंक ओनली अबाउट अकाउंट वन। तो अकाउंट वन में क्या दिख रहा है जी, यहां पे तो पासबुक आपका 150 से डाउन है, यहां पे कुछ भी नहीं है, तो बोलेंगे बैंक चार्जेज रुपीज 150 नॉट रिकॉर्डेड कहां जी, इन कैशबुक। बस ये रहा हमारा कैशबुक, ये रहा पासबुक, पासबुक आपका 150 से डाउन है, यहां कोई एंट्री नहीं, हम कैशबुक से भर रहे हैं, हमें इसको डाउन मतलब माइनस, तो माइनस कॉलम में लिखना होगा 150, काम खत्म हो गया हमारा। क्या दिक्कत इसके अंदर में, अरे क्या दिक्कत,
अरे क्या दिक्कत बताओ ना, हम लोग तो स्ट्रांग बच्चे हैं यार, हमें क्या दिक्कत है यहाँ पे, ये भी खत्म हो गया ठीक है ना। मैं अगला दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये अकाउंट वन था, बस अकाउंट वन टू का मतलब समझना कुछ भी नहीं है आपका। आइए अगला पॉइंट डी में कहता है कि ये सी था ना, ये मैं अब डी में दिखाता हूँ, जगह बना के डी पॉइंट कहता है कि अ डिपॉजिट ऑफ 17,500 इन अकाउंट वन वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन अकाउंट टू इन द बुक। बुक जब भी बुक बोलेगा तो कैश बुक की बात कर रहा है ठीक है ना, कैश बुक का पासबुक मत समझ देना, बुक हमारा होता है कैश बुक का। तो कहता है कि 17,500 यहां पर जमा किया गया था, 17,500 अकाउंट वन में जमा किया गया था, तो ऑब्वियस बात है कि पासबुक में भी 17,500 रुपीज की एंट्री यहां पे जमा करने की होती है। लेकिन कहता है कि वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन अकाउंट टू इन द बुक्स, बुक्स में गलती है, मतलब कि यहां पे एंट्री करना था, आपने यहां ना करके आपने क्या किया, अकाउंट टू में 17,500 की एंट्री कर दिया। होता है, इतनी सारी एंट्रीज होती हैं, थोड़ी मोड़ी गलतियां हो सकती है, अकाउंटेंट कोई भगवान तो नहीं है ना कि गलती नहीं होगा, तभी तो बीआरएस बनाने की रिक्वायरमेंट आती है, ऐसा अक्सर होता है। खैर हम कहां देख रहे हैं, वी आर थिंकिंग ओनली अबाउट अकाउंट वन, ये रहा अकाउंट वन, ये रहा हमारा अकाउंट वन, क्या दिख रहा है, पासबुक तो अप है, कैशबुक वहीं पे है, देख रहे हो आप यहां पे क्या दिख रहा है जी, कि डिपोजिट लिख रहे हैं आप यहां पे, डिपोजिट ऑफ 17,500 इन अकाउंट वन कहता है कि रॉन्गली रिकॉर्डेड इन अकाउंट टू ठीक है ना, जमा किया था वन में, रिकॉर्ड हो गया अकाउंट टू में, कहां, इन कैश बुक है ना, इन कैश बुक, याद रखना बुक जब भी कहेगा तो आपके बुक की बात करता है, ये मत सोचना कि यार बुक तो वो भी पासबुक है, नहीं वो बैंक का बुक है तो बैंक का मेंशन करना चाहिए उसको, ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक। देखो पासबुक में यहां पे एंट्री है 17,500 की, लेकिन कैशबुक में एंट्री नहीं है, कैशबुक वहीं पे है, हम किससे बढ़ रहे हैं, कैशबुक से बढ़ रहे हैं, क्या करूं, अप करो, अप कितना 17,500, अप का मतलब प्लस, तो 17,500 की एंट्री आपको यहां पर रिकॉर्ड करनी होगी ठीक है ना। तो हमने ये भी काम कर दिया। सर एग्जाम में अगर हम यहां पे ऐसे लिख के छोड़ दिए तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बट मैं समझा रहा हूं कि ये चीज रफ में कर लो अच्छा रहेगा, अभी आप यहीं पे कीजिए, अगर एग्जाम में आप यहां लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब तो एग्जाम में और खुश हो जाएगा कि बच्चे ने अच्छा मेहनत किया हुआ है, तो आपकी मर्जी, तो मैं इसको तो मिटाऊंगा लेकिन, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट आंसर का पार्ट है। आइए ई पॉइंट क्या बता रहा है, पढ़िए जरा यहां पे ई पॉइंट, कहता है ई पॉइंट में कि टू चेक्स ऑफ 12,500 एंड 13,750 डिपोजिटेड इन अकाउंट वन, हमने अकाउंट वन में जमा किया था, बट एंटर्ड इन अकाउंट टू इन द बुक्स वेर डिसऑनर्ड, एंट्रीज फॉर डिसऑनर्ड कहता है कि वेर मेड इन अकाउंट टू, ये क्या है, ये कैसा अकाउंटेंट है, इतनी गलतियां, हमें बहुत ध्यान से बात यहां पर समझना होगा मेरे बच्चों। ये रहा हमारा कैश बुक, थोड़ी और मैं क्लियरिटी दूंगा है ना, थोड़ी और क्लियरिटी, ये रहा हमारा अकाउंट वन और ये रहा हमारा अकाउंट टू। फिर मैं आपको यहां पर दिखाता हूं पासबुक, पासबुक जिसका आपका अकाउंट वन और दूसरा अकाउंट टू, और थोड़ा सा आपको रियल लाइफ की बात भी बताऊंगा यहां पे, अच्छा आपको आएगा, सुनो ना। कहता कि टू चेक्स आपका 12,500, एक आपका 12,500 का 12,500 और दूसरा आपका कितना जी 13,750, तो दोनों मिला के मेरे बच्चे 26,250 हो गया। कहता कि 26,250 का चेक डिपोजिटेड इन अकाउंट वन, हमने अकाउंट वन में जमा किया था, तो पता है जब ये जमा किया था ना तो अकाउंट वन को हमने क्या किया होगा जी, प्लस कर दिया होगा कितने से आपका, क्योंकि जमा करते ही हम बढ़ा देते हैं 26,250 से, दोनों का मिलाकर आपका ये हमने बढ़ा दिया होगा, ये रूल है बच्चे। आप जब रियल लाइफ में जाएंगे, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, अकाउंट संभालते हैं, तो जैसे ही चेक आपने क्या किया, जब चेक आपके पास आया तब नहीं, जैसे ही चेक आपने बैंक में जमा किया ना, तो उसी दिन क्या होता है, हम बैंक को बढ़ाने की एंट्री कर लेते हैं ठीक है। लेकिन कहता है एंटर्ड ये दो चेक जो हमने डिपोजिट किया था अकाउंट वन में, बट गलती से हमने एंट्री कहां कर दिया, अकाउंट टू में। ओहो ये क्या है, हमने यहां पे एंट्री करना था 26,250 से, बट गलती से हमने क्या किया, यहां पे एंट्री कर लिया है 26,250 से, यहां पे एंट्री कर लिया है ठीक है ना, यहां पे एंट्री कर लिया है। कहता है आगे पढ़ना कि वेर डिसऑनर्ड, अब जो चेक हमने बैंक में जमा किया था ना बच्चे, वो डिसऑनर्ड हो गया,
मैंने आपको पहले बताया हुआ याद रखना कि जैसे ही चेक मैं बैंक में जमा करता हूं, मैं एंट्री कर लूंगा, मेरा अकाउंटेंट एंट्री कर लेगा, बैंक उस दिन एंट्री नहीं करता। बच्चे, बैंक हमारे पासबुक को कब बढ़ाता है? जब वो चेक जो हमने जमा किया है उसके बिहाफ पे पैसा बैंक कलेक्ट करेगा और फिर हमारे अकाउंट को बढ़ाता है। जब पैसा कलेक्ट होगा तो यहां कहता है कि वो चेक डिसऑनर्ड हो चुका है। चेक डिसऑनर्ड होने का मतलब है कि चेक का पैसा नहीं मिला। तो ये तो 100% की श्योरिटी है कि पासबुक में चेक को जमा करते समय कोई एंट्री नहीं हुआ होगा और नहीं डिसऑनर्ड के टाइम पे कोई एंट्री होगा, क्योंकि बैंक कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमने चेक जमा किया और उसने अकाउंट बढ़ा दिया। नहीं बढ़ाया था, उसने बढ़ाया नहीं था बच्चे, बस चेक आ गया था, उसने रिकॉर्ड कर लिया, वो चेक लेकर गया जहां पे आप जिस बैंक का आपने चेक दिया था वहां से पैसा उसको नहीं मिला। तो फिर ना तो उसने अकाउंट को पहले बढ़ाया था ना कम करेगा। हाँ, आपको एक चिट्ठी लिख देगा आपका चेक के, देखो जी ये चेक आपका डिफॉल्ट हो चुका है, अब अपनी पार्टी से समझो क्या करना क्या नहीं करना। बैंक को चार्जेस काटता है यहाँ पे, नोटिंग चार्जेस आपका, लेकिन उसके बारे में क्वेश्चन जिक्र नहीं कर रहा, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये तो पक्का है कि पासबुक में कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि चेक ना जमा करते समय कोई एंट्री हुआ होगा ना डिसऑनर्ड करते समय। यहाँ छोड़ दो, मेन चीज यहाँ देखना है, आगे बढ़िए। कहता कि ये जो चेक हमने डिपोजिट किया था अकाउंट वन में, बट गलती से कहाँ रिकॉर्ड हो गया था अकाउंट टू में, वेर डिसऑनर्ड, और कहता है कि एंट्री फॉर डिसऑनर्ड वेर मेड इन अकाउंट टू, यानी कि हमने जमा करने की एंट्री भी अकाउंट टू में कर लिया और डिसऑनर्ड करने की एंट्री, मतलब जितना बढ़ाया था उतना कम किया, उसकी भी एंट्री कहता है कि अकाउंट टू में कर लिया हमने। तो मेरे बच्चे, चेक जमा करने का भी एंट्री अकाउंट टू में, चेक से पैसा जो आपका डिसऑनर्ड हुआ मतलब घटाने की भी एंट्री आपने यहीं पे कर लिया, तो आप जरा बताओ कि अकाउंट वन में आपको क्या इम्पैक्ट दिख रहा है? देयर इज नो इम्पैक्ट एट ऑल। ना तो पासबुक में कोई एंट्री है, ना कैशबुक में कोई एंट्री है, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है। सर, हम इस गलती को नहीं सुधारेंगे। अरे बदमाश, हम सुधारने की बात ही नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रेक्टिफिकेशन, इट्स ओनली द रिपोर्ट विच वी हैव टू सबमिट टू द सीनियर मैनेजमेंट कि हाउ द डिफरेंसेज आर कमिंग बिटवीन बीआरएस इन कैशबुक एंड द पासबुक आपका, बस वो बात यहाँ पे हो रही है। तो हम रिपोर्ट में क्या दिखाएंगे कि इसके चलते हमारा यहाँ पे जहां पे गलती किया था ना वहीं पे क्या हुआ कि आपने दूसरी भी गलती कर दी, यहां तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो आपका यहाँ पे कहते हैं कि चेक्स QES चेक्स ऑफ रुपीज 12,500 एंड 13,750, दो चेक, कहता है कि आपका रॉन्गली रिकॉर्डेड इन अकाउंट टू, ठीक है ना। और इसका हम क्या करेंगे, यहां पे ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि यहां पे कोई इसका मतलब ही नहीं बनता। सर एक बात बताइए, मैं ऐसे पूछता हूं, ऐसे यहां पे कुछ है नहीं, ये क्वेश्चन खत्म हो गया कि यहां पे नो ट्रीटमेंट दिखाएंगे, ब्लैंक करके छोड़ देंगे। लेकिन सर क्या होता अगर एग्जाम में कुछ ऐसा कहता, देखो और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये अकाउंट वन है, मैं आपको पॉसिबिलिटी बनाता हूं क्योंकि हम लोग यहां पे ना हम सीख रहे हैं ना कि हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा भी हो सकता था बच्चे, वो कहता कि चेक जमा जो यहां पे करना था वो हमने क्या किया जी, कितने का अमाउंट था 26, हमने चेक जमा करने की एंट्री यहां पे कर दी 26,250। वो कह सकता था कि चेक जमा करने की एंट्री यहां पे कर दी, चेक को डिसऑनर्ड करने की जो एंट्री है ना वो हमने क्या किया यहां पे कर दिया 26,250। डिसऑनर्ड मतलब क्या, बैलेंस को कम कर देना, पॉसिबिलिटी है, कुछ भी कह सकता है क्योंकि कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चे, कुछ भी, और वो बोलेगा आपको उसको बीआरएस में दिखाना होगा। तो यहां पे कहता है कि मान लो कि हमने चेक को डिपॉजिट करने का एंट्री गलती से यहां पे किया, लेकिन डिसऑनर्ड यानी कि अकाउंट को माइनस करने वाली हमने एंट्री यहां पे की है। अब बोलता बताओ कि क्या करोगे बीआरएस में? हमने बोला कोई बात नहीं, ये रहा कैशबुक, ये रहा पासबुक, पासबुक में कोई चेंज नहीं है। कैशबुक हमारा अल्टीमेटली क्या दिख रहा है जी, माइनस दिख रहा है 26,250 से। अगर कैशबुक से बढ़ रहा हूं तो अप हो जाऊंगा, पासबुक से बढ़ रहा हूं तो माइनस हो जाऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आपको दिमाग ओपन रखना होगा, बस आप समझे मेरी बात ना, बोलो ना हाँ, अरे बोलो ना हाँ। सीओसी सीए क्लासेस, इस पे जो कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है मेरे और मेरे टीम के द्वारा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे बच्चे एक काम जरूर करेंगे, हमारे वीडियोज को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अपने फ्रेंड्स को भी आप इन्वाइट करेंगे इस चैनल पे आने के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बोलो ना हाँ, अरे बोलो ना हाँ।
अरे बोलो ना कम से कम। हाँ बदमाश, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ यार, एक बार तो बोल दो, एक बार तो बोल दो कम से कम। मत बोलो, एफ पॉइंट पे आ जाओ कम से कम, एफ पॉइंट पे आ जाओ। कहता है एफ पॉइंट में, कहता कि चेक्स इश्यूड फॉर 1,50,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अकाउंट वन एंड अकाउंट टू वेर नॉट प्रेजेंटेड अंटिल 5th अप्रैल। ये तो सिंपल है, कैश बुक पासबुक, इसका अकाउंट वन अकाउंट टू, यहां भी कहता है कि अकाउंट वन अकाउंट टू। कहता है कि हमने चेक इश्यू किया है अकाउंट वन से 1,50,000 का और अकाउंट टू से 15,000 का। इश्यू किया मतलब यहां से हमने माइनस किया, लेकिन कहता है कि ये 5th अप्रैल तक हम बीआरएस का बना रहे, 31st मार्च को, मतलब 31st मार्च तक ये प्रेजेंट नहीं हुआ है, मतलब हमारे अकाउंट से पैसे नहीं निकले हैं, है ना। हम बात कर रहे हैं सिर्फ 31st मार्च तक, वो तो कहता है कि 5 अप्रैल तक भी पैसा नहीं निकला, तो 31 मार्च को नहीं निकला। तो अकाउंट वन क्या दिख रहा है, कैश बुक आपका डाउन है, पासबुक वहीं पे है। लिखिए आप यहां पे, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, फॉर पेमेंट आपका, है ना। ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक। तो हम क्या करेंगे जी, अकाउंट वन को यहां पे हमने माइनस कर दिया बच्चे 150 से, पासबुक में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अकाउंट वन के बारे में सुनेंगे। कैशबुक से बढ़ रहे हैं, यहां पे हूं, ऊपर आना पड़ेगा पासबुक को पहुंचने के लिए, ऊपर यानी कि प्लस करना होगा, प्लस कॉलम में आपको 1,50,000 की एंट्री यहां पे दिखानी होगी, ठीक है ना। ये काम आपका हो गया, ये आपको समझ में आ गया, मैं जानता हूं इस बात को, आगे बढ़ता हूं। हमारा एफ पॉइंट हो गया, नाउ कम टू पॉइंट नंबर जी। जी पॉइंट पे आप आइए, देखिए जी क्या बता रहा है। जी में कहता है कि चेक डिपोजिटेड इतना इतना अकाउंट वन एंड टू, चेक डिपॉजिट किया मेरे बच्चे, यानी कि हमने इसमें जमा किया है 125 का और इसमें चेक जमा किया है 117,500 का। कहता है कि ये जो चेक जमा किया था वेर क्रेडिटेड बाय द बैंक ओनली ऑन 3rd अप्रैल, मतलब 31 मार्च तक यहां पे कोई एंट्री नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिखिए चेक डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने अभी तक क्रेडिट यानी कि हमारे अकाउंट में नहीं बढ़ाया है, बाय द बैंक आपको, ठीक ना। तो ये कैशबुक, ये पासबुक, आप देखो ना अकाउंट वन के बारे में सोचना, अकाउंट वन कैशबुक अप है, ऊपर आपका पासबुक वहीं पे है, हम कैशबुक से बढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, डाउन करना होगा पासबुक पास आने के लिए, डाउन मतलब माइनस करना होगा, कितना जी 1,25,000, तो माइनस कॉलम में लिखना होगा, माइनस यानी कि माइनस कॉलम में आपको, ठीक है ना। और कुछ है नहीं सर, काम खत्म हो गया। तो अब मेरे बच्चे हमें क्या करना होगा जी, बस अब हमारे पास एक ही काम बच गया, आप इसको यहां पे क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए। सुनिए ध्यान से क्या निकल के आता है, कौन साइड बड़ा दिख रहा है जी, हमें तो ये दिख रहा है, तो 125,000 प्लस 1,250 प्लस 17,500 प्लस आपका 1,50,000, इधर का टोटल आ गया 2,93,750 का अमाउंट, 293,750, यहां पे लिखो ना 293,750। अब निकालिए बैलेंस कितना आ रहा है, माइनस कीजिए 125,000, माइनस कीजिए 12,500 और माइनस कीजिए 150 का अमाउंट आपका, ये आ गया 1,56,100, ठीक है ना। तो आप देखो यहां पे हमारे पास ये था एज पर कैशबुक, तो इसको क्या बोलेंगे जी, एज पर पासबुक, एज पर इसको हम क्या बोलेंगे, पासबुक आपका, एज पर पासबुक। और ये देखो बैलेंस आपका क्या अपोजिट साइड आ रहा ना, अपोजिट साइड, यस सर। तो अपोजिट मतलब क्या, जो यहां पे वो यहां पर भी, इसको भी हम क्या बोलेंगे, बैलेंस कहेंगे, तो आप इसको बैलेंस कहेंगे, काम खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर द बीआरएस, मैं तो कहता हूं यार ये सबसे सिंपल तरीका है, सबसे सिंपल तरीका, सबसे सिंपल तरीका। 6-9 हमने कर दिया, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन, और मैं आपको लेके आना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। सर 3 इतना लेट, हाँ 3 क्वेश्चन पे आइए। और मेरे बच्चों मैं आपको ना 3rd क्वेश्चन में, एक्चुअली अब मैं आपको कहीं दूर लेके चलना चाहता हूं, बहुत अच्छी बातें करना चाहता हूं। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 3 मेरे साथ पढ़िए
और आपको बिल्कुल शांत रखना होगा, क्योंकि मैं बहुत प्यारे तरीके से बहुत आसानी से आपको मैं शिफ्ट कर दूंगा प्रैक्टिकल लाइफ में, कि जब आप कल को रियली में आप जब अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे, किसी कंपनी में टॉप पोजीशन पे जाएंगे, मैनेजर बनेंगे या अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करेंगे और आपके अंडर में कई सारे अकाउंटेंट काम करेंगे, उन अकाउंटेंट को कहोगे कि आप जी BRS बनाओ, तो BRS कैसे बनाया जाएगा रियल लाइफ में, अब वो बात मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है ना। तो आइए जरा मैं आपको यहां पे बताता हूं क्या निकल के आता है। जरा चेक कीजिए यहां पे क्या बता रहा है। कह रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बहुत ध्यान से दिमाग शांत, कहीं भी दिमाग मत लेके जाओ, कहीं भी नहीं, नो इफ नो और, बस यहां पे सुनिए क्या बता रहा हूं। जो भी सवाल आपके दिमाग में उठेंगे अपने आप खत्म हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए मेरे साथ, मैं आपको लेके आ रहा हूं बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर में। अब आपको फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th September 2022, 30 सितंबर को बन रहा है। पहला कहता है जी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है। अब मैं 1 से लेकर आपका 9 तक क्या पढ़ूं, कुछ भी नहीं, हमें ऊपर बोल चुका है कि BRS आपको बनाना है, ठीक है ना। तो आई जरा मैं आपको बताता हूं यहां पे BRS लिखिए, BRS आप बना रहे हैं एज ऑन 30th सितंबर लिखिए यहां पे 2022 को, इस दिन पे बना रहे हैं हम BRS। और मैं यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल वही तरीका जो हमने किया था, लेकिन इस बार ना थोड़ा जगह को मैं प्रॉपर तरीके से यूज करूंगा, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन को दो तरीके से कराना है। ये लीजिए, ये हमारा प्लस कॉलम और ये हमारा माइनस कॉलम, आपका प्लस एंड माइनस कॉलम। कहता है कि ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, लिखो यहां पे, ये ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ये कैश बुक के मुताबिक भी हो सकता है, पासबुक के मुताबिक, मैंने बताया आपको। और ये ओवरड्राफ्ट है तो किसी के मुताबिक हो वो कहां लिखा जाएगा, माइनस कॉलम में, ठीक है ना। तो ये हमने किया। इसको बनाने का एक और भी तरीका, मैंने कहा था कि दो तरीका आपका इंस्टीट्यूट का स्टडीमेट में लिखा हुआ है, तो दूसरा तरीका है ना वो हौचपोच वाला है, और वहां पे आपको परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए सेफ वे में लेकर चल रहा हूं मैं, वो भी थोड़ा सा बाद में आपको समझा दूंगा, लेकिन हमेशा आपको यही इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, बहुत बेस्ट वे है, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात। कहता है पॉइंट नंबर 2 में चेक्स फॉर 40,000 वेर सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बट चेक फॉर 25,000 ओनली हैड बीन कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड। मतलब कि लिखिए चेक्स हमने बैंक को भेजा था, यानी कि चेक्स डिपोजिटेड। आप जो लाइन क्वेश्चन में लिखा है वो भी पूरा लाइन लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चेक्स डिपोजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, है ना। बैंक ने अभी तक वो क्रेडिट यानी कि आपके अकाउंट में ऐड नहीं किया है ना। बैंक क्रेडिट का मतलब क्या, हमारे अकाउंट में प्लस करना, और बैंक में डेबिट का मतलब कि हमारे अकाउंट से माइनस करना, और कैशबुक में डेबिट का मतलब क्या होता है जी, प्लस करना, और क्रेडिट का मतलब क्या, माइनस करना, ठीक है ना। तो हमने यहां पर लिखा, और मैं आपको यहीं पर दिखा दूंगा, फिर बाद में इसको मिटा दूंगा। चेक हमने डिपॉजिट कितने का किया था, 40,000 का, तो कैशबुक मेरे बच्चे अप है आपके 40,000 से, 40,000 रुपए से। लेकिन कहता कि 25,000 ओनली हैड बीन कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड, मतलब कि बैंक ने इस दिन तक यहां पे एंट्री कितने से किया हुआ है, 25,000 से। डिफरेंस कितने का आपके पास आ गया, 15,000 का, 15,000 का। हम किससे बढ़ रहे हैं, कैशबुक से, तो हमें 15,000 से क्या करना होगा जी, कैशबुक को डाउन करना होगा, तब पासबुक के पास आएंगे। डाउन का मतलब कि माइनस कॉलम में, तो माइनस में आपको क्या करना है, 15,000 की एंट्री यहां पे दिखानी है। आप ये भी सेंटेंस लिख सकते हो, आप चाहो तो जो क्वेश्चन में सेंटेंस दिया हुआ है एज इज आप उसको लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया जी, चेक्स डिपोजिटेड बट नॉट इट क्रेडिट बाय द बैंक में कितना, 15,000 का, वो हमने दिखा दिया, 40 एंड 25 का डिफरेंस आपका। अब मैं इसको मिटाऊंगा और मैं यहां पे इसको हटा के मैं इस तरीके से आपको दिखाता हूं, आगे बढ़ेंगे। ये आपका वन, मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूं, इट वॉज फर्स्ट पॉइंट, ये था आपका सेकेंड पॉइंट, अब हम थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है, थर्ड पॉइंट पढ़ो ना। कहते कि चेक्स वर्थ ₹30,000 इश्यूड, बट चेक्स फॉर 18,000 ओनली प्रेजेंट। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, क्यों करा रहे हो, बताऊंगा रीजन। लिखिए पहले आप चेक्स इश्यूड बट नॉट येट
presented presented for payment. ठीक है ना, ये हमारा कैश बुक है, ये पास बुक है. हमने चेक इश्यू किया है कितने का, 30,000 का, तो कैश बुक डाउन हो गया 30,000 से. कहता कि अभी तक 18,000 का ही चेक प्रेजेंट हुआ है, यानी कि पासबुक में एंट्री कितने से, सिर्फ 18,000 से. तो डिफरेंस कितने का आ गया, 18,000 से. हम किससे बढ़ रहे हैं, कैश बुक से. तो यहां से हमें ऊपर आना होगा इसके बराबर होने के लिए. ऊपर मतलब कि प्लस प्लस कॉलम में कितने से एंट्री करना होगा जी, 12,000 से. मुझे पता है कि उतने टफ टफ क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लग रहा है, और मैं चाहता भी था कि ये क्वेश्चन सिंपल लगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे कुछ अलग से अलग मतलब कुछ अलग बातें सिखानी है आपको. ठीक है ना, तो आप दिमाग को लाइट रखें, आपको अच्छा लगेगा. थर्ड पॉइंट भी हमारा हो चुका. मैं फोर्थ पॉइंट में आता हूं, इसको हटा के, ये लिख लिया होगा आपने, है ना. फोर्थ पॉइंट पे आप आइए. फोर्थ पॉइंट कहता कि अ कस्टमर पेड 28,000 डायरेक्टली इन टू बैंक. तो कहता कि पेमेंट, मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं, आप पूरा लाइन वो भी लिख सकते हो, पेमेंट डायरेक्टली डायरेक्टली रिसीव्ड रिसीव्ड बाय द बैंक, है ना. बैंक ने क्या किया जी, पेमेंट डायरेक्टली रिसीव कर लिया है. तो ये रहा हमारा कैश बुक, ये रहा हमारा पासबुक. सुनो ना ध्यान से, अगर कस्टमर ने 28,000 पैसा डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया है, बैंक में, तो मेरे पास 28,000 जमा करने का मतलब क्या जी, कि पासबुक आपका 28,000 से आपका बढ़ चुका है, 28,000, है ना. बैंक में हमारे पास उसकी एंट्री नहीं है. सर ये कहां लिखा है कि ये एंट्री कैश बुक में नहीं है, ये अंडरस्टूड है, लैंग्वेज पढ़ के लगता है यार कि बैंक ने पैसा डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया, हम बीआरएस बना रहे हैं, यानी कि दिमाग यही बोल रहा है कि बैंक में एंट्री हो चुका है, कैश में नहीं हुआ है. तो आप ज्यादा उल्टी सीधे बातें मत सोचिए, आप सिंपल तरीके से सोचिए. आप हम किससे बढ़ रहे हैं, कैश बुक. ये कैश बुक हमारा यहाँ पे, हमें पासबुक के पास पहुंचना है, क्या करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा. अप का मतलब कि प्लस, तो प्लस कॉलम में हम क्या करेंगे, 28,000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, है ना, प्लस कॉलम में. इसको मैं मिटा दूं, यस सर, ये लीजिए. कुछ गलती अगर होगा तो मुझे बता देना कि सर आप गलती कर रहे हो. फिलहाल तक तो कोई गलती मुझे नहीं लग रहा है, बट फिर भी रिसीव्ड था ये. ठीक है ना, अब पांचवें पॉइंट पे आप आइए. फिफ्थ पॉइंट क्या बता रहा है, बैंक चार्जेज इंटरेस्ट टू 50 ऑन ओवरड्राफ्ट. तो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, यानी कि इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक. तो हमें लग रहा है कि ये पता है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, मतलब कि बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लिया है, कितना जी, 250, लेकिन कैशबुक में एंट्री नहीं है. सर ये कहां लिखा है कैशबुक में एंट्री नहीं है, अरे बदमाश, कहा ना, हम बीआरएस चैप्टर पढ़ रहे हैं. वो जब एक तरफ की बातें आपको जोर दे रहा है, मतलब कि वहां पे कुछ आपने किया है, दूसरी जगह नहीं किया है, सिंपल सी बात है. आप सोचो जैसे मैं बोल रहा हूं. बस कहता कि बैंक ने 250 चार्ज किया, तो पासबुक डाउन कैशबुक है, किससे बढ़ रहे हैं, कैशबुक से. क्या करना पड़ेगा, डाउन, डाउन का मतलब कि माइनस, यानी कि माइनस कॉलम में हमें 250 का अमाउंट लिखना होगा. ये लीजिए, ये भी काम हो गया. पांचवी एंट्री भी हमारी हो गई, मैं इसको हटाता हूं अब और सिक्स एंट्री पर लेकर आता हूं. सिक्स एंट्री पे ध्यान दीजिए, सिक्स में चेक फॉर ₹5,000 फ्रॉम अ कस्टमर, गलती है, फॉर्मली फ्रॉम है वहां पे, अ चेक फॉर 5,000 फ्रॉम अ कस्टमर करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. ओहो, कहता है कि हमने चेक रिसीव किया था, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ओमिटेड, मतलब भूल गए, टू सेंड, ओमिटेड टू सेंड इट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन, कैशबुक पासबुक. मेरे बच्चे, कहता कि एक 5,000 का चेक आया था, हमने करेक्टली उसको कैशबुक में रिकॉर्ड किया, मतलब कि चेक जब आया तो कैशबुक को हमने क्या किया जी, 5,000 से बढ़ा दिया, लेकिन इसको हम बैंक को भेजना ही भूल गए. चेक आया, हमने चेक की एंट्री कर ली और वो हमने ड्रॉर में छोड़ दिया और बैंक को भेजना ही भूल गए. कभी कभी हो जाता है, इंसान है ना, गलतियां हो जाती है. तो मेरे बच्चे इससे क्या हुआ जी, कि जब बैंक को हमने भेजा ही नहीं तो बैंक में पैसा आया ही नहीं है, यानी कि कैशबुक आपका आप है, पासबुक वहीं पे. हम किससे बढ़ रहे हैं, कैशबुक. हम क्या करें कि पासबुक के पास आ जाएंगे, डाउन, डाउन मतलब क्या, माइनस, माइनस कॉलम में हमें 5,000 की एंट्री करना होगा, ₹5,000 की एंट्री.
ठीक है ना, तो हमने क्या क्या ये भी कर दिया आपको, समझो मेरी बात ना। अरे जैसे ही चेक हमने रिसीव किया और हमने बोला कि हमें जमा करना है, तो हमने क्या वो कैशबुक में एंट्री हो जाता, हमने कर भी लिया है, पर गलती वहां पे हो गई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ना। और क्या बता रहा है, सेवन पॉइंट पे आप आइए, सेवन पॉइंट पे, सेवन पॉइंट क्या बता रहा है, कहता है सेवेंथ में फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 2000 नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कर दो यहां पे ले आइए। कहता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक, आप पूरा जो लाइन है वो भी लिख सकते हो या कोई और तरीके से लाइन बना सकते हैं, पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड, बट नॉट रिकॉर्डेड कहां जी, इन कैशबुक, कैशबुक में हमने उसकी एंट्री नहीं किया, दिस इज कैशबुक, दिस इज पासबुक। तो सोचो ना कि अगर हमने 2000 का बैंक ने पेमेंट किया था तो पासबुक डाउन है 2000 रुपए से, और कहता है कि इसकी एंट्री कैशबुक में नहीं है, ठीक है कैशबुक में ही है, कैशबुक से भरना हो हमें क्या करना पड़ेगा, डाउन करना होगा, डाउन का मतलब क्या, माइनस, तो माइनस में आप यहां पर 2000 की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, माइनस में चलेगा आपको कितना जी 2000, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। तो सेवन पॉइंट भी हमारा खत्म हो गया, सेवन पॉइंट भी ये आपका यहां पे हमने हटाया, और मैं अब आपको एट पॉइंट पे आपको लेकर आता हूं, एट पॉइंट पे, एट में कहता है कि बिल ऑफ रुपीज 5000 डिस्काउंटेड विद बैंक फॉर रुपीज 4800 वाज डिसऑनर्ड फॉर विच नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स। मेरे बच्चे ये पॉइंट आपका तभी समझ में आएगा अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा हुआ है, तो मैं मानता हूं कि आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा हुआ है, नहीं तो नहीं पढ़े तो आगे पढ़ लेना कोई बात नहीं, तभी इसका बीआरएस में जो इम्पैक्ट है बस वो समझाऊंगा, बाकी आपको बाद में, सुनिए ध्यान से, ये हमारा कैशबुक है, ये हमारा पासबुक है। कहता है कि बिल फॉर 5000 डिस्काउंटेड विद बैंक फॉर 4800, एक बिल था हमारे पास 5000 रुपए का बीआर, वो बिल मेरे बच्चे बैंक को हमने बेच दिया था 4800 में, तो जब बिल आप बैंक को डिस्काउंट कराते हो ना, तो बैंक क्या करता है कि आपके अकाउंट में उतना पैसा ऐड कर देता है 4800, और हम कैशबुक में भी क्या करते हैं उतना पैसा बढ़ा देते हैं 48, मतलब कि बैंक ने वो बिल जो कागज था वो आपसे ले लिया और आपको 4800 दिया, वो 4800 आपको कैश में नहीं देता, आपके अकाउंट में जमा कर देता है उसी टाइम पे, तो पासबुक आपका 48 से अप हो चुका होगा, और क्योंकि पैसा आपको उस दिन मिला तो हमारे अकाउंटेंट ने भी एंट्री कर दिया होगा। लेकिन कहता आगे पढ़ना, वाज डिसऑनर्ड, मेरे बच्चे ये बिल जिसको हमने बैंक को बेचा था ना, हम किसी से साइन करा के बिल अपने पास रखते हैं और बैंक को बेच दिया था 4800 में, जब बैंक इस बिल को लेकर उस आदमी से गया पैसा कलेक्ट करने के लिए, तो उस आदमी ने पेमेंट नहीं किया, तो बैंक ना उस आदमी से झगड़ा नहीं करता, बिल मैंने उसको दिया था ना, बैंक क्या करता है कि भैया मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेता है, कितना पैसा निकालेगा, तो 4800 नहीं, वो मेरे अकाउंट से पैसा निकालेगा पूरे 5000, 5000 रुपए। सर 5000 क्यों, क्योंकि मेरे बच्चे बिल जो था ना जितने का था वही पैसा बैंक कलेक्ट करता है, या तो जिस पार्टी से हमने बिल रिसीव किया था उससे ले, चाहे वो हमसे ले, वो हमारे अकाउंट से 5000 माइनस करता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ेंगे, हम उसमें अभी जिक्र नहीं कर रहे हैं, अभी मेन मुद्दा पे आइए, जो मैंने बताया उतना ही दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा कि यही होता है तभी समझ में आएगा। तो मेरा पॉइंट क्या दिख रहा है यहां पे, सिचुएशन क्या है, कुछ और बता रहा है यहां पे, कुछ और इसके बारे में कहता है कि वाज डिसऑनर्ड फॉर विच नो एंट्री इज मेड इन द कैश बुक, यानी कि ये जो बिल आपका डिसऑनर्ड हुआ है ना, बिल जो डिसऑनर्ड हुआ है, ये डिसऑनर्ड की एंट्री पासबुक में तो हो चुकी है बट कैशबुक में एंट्री अभी तक नहीं हुई है। तो हमें अल्टीमेट जरा देखो कि इंपैक्ट क्या दिख रहा है, अल्टीमेट इंपैक्ट कैशबुक आपका कितने से अब दिख रहा है जी 4800 से, और पासबुक मेरे बच्चे हमारा अल्टीमेटली कितने से डाउन दिख रहा है 200 रुपए, क्योंकि 4800 हमने ऐड किया था और 5000 डाउन किया था, तो अल्टीमेटली कितने से नीचे आपका है 200 रुपए, यानी कि ये डाउन है आपका कितने से 200 रुपए से, समझ लो ना, यहां पे तो सिर्फ 4800 बढ़ाने की एंट्री है, तो बढ़ा हुआ अमाउंट यहां पे दिख रहा है, डिसऑनर्ड की एंट्री यहां पे नहीं हुआ, यहां पे आपको 4800 देने की और डिसऑनर्ड की दोनों की एंट्री हो चुकी है, तो आपके अकाउंट में 4800 हमने ऐड किया था फिर 5000 निकाल दिया था, तो अल्टीमेटली पासबुक कितने से डाउन है 200 से आपका, ठीक है ना। अब हम यहां पे क्या करेंगे उस चीज को यहां पे लिखते हैं, तो ध्यान देंगे, लिख रहा हूं मैं डिस्काउंटेड,
डिस्काउंटेड बी आर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड डिसऑनर्ड बट नो एंट्री इन कैश बुक. इसका कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है. तो ये रहा हमारा कैश बुक, ये रहा हमारा पासबुक. हमारा कैश बुक क्या दिख रहा है बच्चे, अप है 4800 से, और पासबुक हमारा डाउन कितने से दिख रहा है, 200 से. नेट अमाउंट 200 रुपए से, क्योंकि 48 प्लस किया था, 5000 माइनस किया, तो अल्टीमेटली हमारा अकाउंट क्या 200 रुपए और नीचे जा चुका है. अब हम BRS बना रहे हैं. हम किससे बढ़ रहे हैं, कैशबुक से बढ़ रहे हैं. कैशबुक यानी कि हम यहां से बढ़ रहे हैं. मैं क्या करूं कि यहां पे पहुंच जाऊं, मुझे यहां पे डाउन करना पड़ेगा, डाउन. और डाउन कितने से करना होगा, 5000 से. ये देख लो 48 अप 200 रुपए डाउन, तो टोटल डिफरेंस कितने का आ गया, 5000 से. तो कैशबुक को हमें क्या करना होगा जी, डाउन करना होगा कितने से, 5000 से. तो डाउन यानी कि माइनस कॉलम में आपको 5000 की एंट्री यहां रिकॉर्ड करनी होगी. माइनस कॉलम में एंट्री कितने का आएगा, 5000 का. आप प्लीज कॉपी करें, बिल्कुल एक एक वर्ड को मैं समझा रहा हूं. अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत है, एक बार लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, है ना. कुछ इसमें बड़ी बात नहीं सिखाया मैंने, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज से टॉपिक निकल के आया. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट आपका, और क्या है हमारे पास, नाइन्थ पॉइंट. मैं इसको मिटा के जगह बनाऊंगा यहां पे, नाइन्थ पॉइंट पे आऊंगा. और ये रहा हमारा नाइन्थ पॉइंट. कहता है नाइन्थ में, चेक रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. ये तो वही पॉइंट हो गया ऊपर जैसे था एक, कि चेक हमने रिकॉर्ड कर लिया बट बैंक को नहीं भेजा कलेक्शन करने के लिए. कितने का है, 2500. कोई बात, लिख लो यहां पर दोबारा. चेक कहता है कि रिकॉर्डेड इन कैश बुक, शॉर्ट में सी बुक लिख दिया, कैश बुक, बट Not sent for collection. ये तो अभी किया था हमने, पता नहीं ये दो दो बार क्यों आ जा रहा है ये क्वेश्चन आपका. कोई बात नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है. कैशबुक पासबुक, तो चेक हमने भेजा था जी आपका, चेक हमने भेजा था बैंक को कलेक्शन करने के लिए, यानी कि कैशबुक में एंट्री हो चुका होगा, चेक हमने रिसीव किया होगा, तभी आपका कितना 2500 का, 2500 रुपए का. और कहता है कि इसकी एंट्री पासबुक में नहीं है, तो पासबुक आपका वहीं पे है. हम किससे बढ़ रहे हैं, कैशबुक से. क्या करेंगे जी, हमें डाउन करना होगा कितना, 2500 रुपीज. डाउन का मतलब कि माइनस कॉलम में यहां पर लिखना होगा, ठीक है ना. और काम हमारा खत्म हो चुका. मैं अब यहां पे इसको क्लोज करके और काम पूरा कर रहा हूं. ये लीजिए, मैंने इसको हटा दिया, ठीक है ना. और यहां पे मेरे बच्चे अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बैलेंस निकल के आता है. स्टार्ट कीजिए, मुझे माइनस का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, तो 12000 प्लस आपका 15000 प्लस आपका 250 प्लस आपका 5000 प्लस आपका 2000 प्लस आपका 7500. इधर आ गया 41750, यहां पे आ गया 41750. इसमें से माइनस करो ना आपका एक 12000 और एक आपका 28000. तो मेरे बच्चे यहां पे आ गया 1750 का बैलेंस यहां पे आ रहा है. हम लोग कहेंगे कि देखो जी, ये तो एज पर कैशबुक था, तो दिस इज विल से एज पर पासबुक. ये आपका पासबुक के मुताबिक आपका है, ये पासबुक के मुताबिक. और ये ओवरड्राफ्ट है, तो देखो बैलेंस आपका आ रहा कहां पे, अपोजिट साइड में. अपोजिट साइड का मतलब क्या, सेम टाइप ऑफ बैलेंस, यानी कि ये भी क्या कहा जाएगा, ओवरड्राफ्ट कहा जाएगा, ओवरड्राफ्ट. एंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया बच्चे, हमने इसको सॉल्व कर लिया. आप प्लीज कॉपी कर लीजिए. लेकिन मेरा काम जो था ना इस क्वेश्चन को कराने का, वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो हमने ऊपर के दो टफ क्वेश्चन किए हैं, उन क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था आपके लिए, और आप चुटकी बजाते इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाते. फिर ये क्वेश्चन क्यों कराया मैंने, कुछ रीजन तो रहा होगा. आप कॉपी कीजिए, थोड़ा सा मैं इस अमृत को पी लूं, क्योंकि जो बात मुझे अब आपको समझानी है ना, उसके लिए शक्तियां चाहिए मेरे बच्चे. वो शक्तियां मुझे बस यही देगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है. आप इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हो, चीजें रियल लाइफ का सोचो. आज से 4-5 साल के बाद जब किसी कंपनी में जो आप काम करोगे, अब वो मैं सिखाने वाला हूं, तो फिर तो थोड़ा सा तो पीना पड़ेगा ना. चलिए, आपने लिख लिया होगा, और मैं अब आपको पता कहां लेके आना चाहता हूं, मैं लेके आना चाहता हूं इन, दिख रहा आपको, इन इसी से लिख देता हूं, इन
प्रैक्टिकल लाइफ लाइफ इन प्रैक्टिकल लाइफ। सुनो मेरी बात ध्यान से मेरे बच्चे, अब ध्यान सुनना मैं क्या बता रहा हूं। मेरे पास यहां पे एक्चुअली क्या है, ये दो मेरे पास बुक है। कब? 30th सितंबर को। ध्यान से मेरी बात सुनना, दिमाग शांत करो। आप बिलीव कीजिए कि आप बहुत प्यारे बच्चे हैं और जो बात अभी आगे आपको समझाने वाला हूं वो बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपकी आत्मा, आपका दिल, आपका दिमाग मेरे साथ यहां पे बैठा हुआ है तो। अदरवाइज दुनिया की कोई ताकत इसको समझा नहीं सकती, अगर मैं नहीं समझा पाया तो। सच बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए यहां पे मेरे बच्चे। मेरा अकाउंटेंट, मैंने उसको बोला कि तुमने कैश बुक बनाया ना, बोला कि हाँ जी सर मैंने बनाया हुआ है। ये मेरे बच्चे उसका बनाया हुआ कैश बुक है, ये उसने कैश बुक जो बनाया है कब तक, 30th सितंबर तक। और ये उसका पासबुक का डुप्लीकेट कॉपी जो उसने बैंक से मंगाया। मैंने कहा कि अकाउंटेंट आप एक काम करो, इन दोनों को अपने पास रखो। उसने रखा और हमने कहा कि देखो जरा इसमें और इसमें जो डिफरेंसेज आ रहे हैं, उन डिफरेंसेज के आने के पीछे का क्या रीजन है। तो उसने क्या किया, इन दोनों को मिलाया और मिलाकर मेरे बच्चे 9 डिफरेंसेज उसने निकाला कि 9 वो रीजन है जिनके चलते इस दोनों में डिफरेंसेज आ रहा है। ये काम हमने किया, आपने देखा भी बड़े अच्छी तरीके से। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। पता है रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में मैं अपने अकाउंटेंट को बोलता हूं कि अकाउंटेंट ये कैशबुक जो आपने बनाया है ना, कैशबुक जो बनाया है जिसमें बैलेंस कितना दिख रहा है 12,000 रुपए, और ये पासबुक जिसमें बैलेंस कितना दिख रहा है 1750, है ना, यही तो दिख रहा होगा। ये दोनों को अपने पास रखो और पहले देखो कि कौन कौन सी ऐसी एंट्री है जो बैंक ने की है, जो एंट्री यहां पे है लेकिन वो एंट्री आपने नहीं की है। दोबारा सुनिए, मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला कि अकाउंटेंट एक काम करो, आप चेक करो कौन कौन सी ऐसी एंट्री है जो बैंक ने की है, मतलब पासबुक में है लेकिन आपने नहीं की। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी तक आपको पता नहीं था उसके बारे में, नहीं पता था। कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बैंक में डायरेक्टली हो जाता है जी, हमें नहीं पता होता। जैसे कि बैंक ने कोई अकाउंट से चार्जेज काट लिया, बैंक ने कोई हमें इंटरेस्ट दे दिया, बैंक ने हमारे बिहा पे कोई पेमेंट रिसीव कर लिया, बैंक ने हमारे बिहा पे कोई पेमेंट कर दिया। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बैंक ने हमारे बिहा पे किया है लेकिन वो हमें नहीं पता था, इसलिए हमने एंट्री इसमें नहीं किया था। तो हम अपने अकाउंटेंट को बोलते हैं कि पहले वो एंट्री को यहां पे कर लो। दोबारा सुनो, जल्दबाजी नहीं है, बहुत समय हमारे पास समझने का, समझाने का, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। सिंपल शब्द में आपको बता रहा हूं कि अगर आप मेरे अकाउंटेंट हो, मैंने कहा कि दोनों को अपने पास रखो और मैंने कहा कि एक बार चेक करो कौन सी ऐसी एंट्री है जो पासबुक में है, मतलब बैंक ने किया है बट आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी तक आपको पता नहीं था, लेकिन आज जब वो एंट्री यहां पे दिख रही है, आज दिख रही है क्योंकि आज तो हम बना रहे हैं ना, दोनों को एक साथ रखे हैं ना, आज अगर एंट्री यहां पे दिख रही है और आपको लगता है कि वो एंट्री हमें करना चाहिए था, तो कर लो उस एंट्री को, आप कर लो पहले यहां पे। तो मेरे बच्चे पहले हम क्या करेंगे कि हम उन एंट्रीज को यहां पे करेंगे। सर ये हमें कैसे पता चलेगा, ये तो बहुत सारी एंट्री होती है, अपने आप निकालना शुरू कर देंगे, आपकी आत्मा अपने आप बोलना शुरू कर देगी, आज से बोलना शुरू कर देगी कि हाँ यार वो एंट्री यहां पे होने चाहिए। अगर हमें एग्जैक्ट टाइम पे पता होता तो हम भी उसको यहां पे किए रहते, तो आप वो एंट्री कर लेना। जैसे कुछ एग्जांपल बता दूं मैं आपको, बैंक ने कोई चार्जेज यहां पे काटे हैं, आप मुझे बताओ बैंक ने आपका कुछ चार्जेज आपके कटे हुए हैं, क्या आपको पता रहता बैंक उस दिन फोन करता कि हाँ जी हमने इतना चार्ज काटा, तो आप एंट्री करते कि नहीं करते? करता मैं, आप कर लो कोई बात नहीं। बैंक ने आपको कोई इंटरेस्ट दिया था तो बैंक ने यहां पे एंट्री कर लिया है, बताओ यहां पे एंट्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, हमें नहीं पता था, हमने नहीं किया था, अब पता चल गया इसको देख के, तो कर लो यहां पे एंट्री। बैंक ने हमारे बिहा पे कोई पेमेंट किया है, बैंक ने हमारे बिहा पे कोई पेमेंट रिसीव किया है, तो बैंक ने कर दिया था, हमें नहीं पता उसके बारे में, आज अब पता चल गया देख के, तो हम एंट्री कर लेंगे। समझ रहे हो ना? तो या तो वो एंट्री कर लो। दूसरा,
अगर आपने, अगर आपको आज इसको और इसको देख के लग रहा है कि आपने यहां कुछ गलती की है, अपने कैशू को कोई गलती की है, आपने गलती की है, 2000 का कोई एंट्री था, आपने गलती से 200 रुपए में 200 की कर दिया, कोई एंट्री रिसीट्स आपका 2000 का था, आपने 5000 से कर दिया, कैशबुक का वो टोटलिंग मिस्टेक जहां रिसीट साइड का टोटलिंग आपने गलत कर दिया था, रिसीट साइड का पेमेंट साइड का टोटलिंग गलत कर दिया था, मतलब अगर कोई मिस्टेक आपने कैशबुक में किया है तो आप उसको भी सुधार लो और फिर आप बीआरएस बनाओ। और इनको सुधारने के लिए मेरे बच्चे कहते हैं कि इसको सुधारने के लिए पहले आप क्या करो जी, आप यहां पे बनाइए एडजस्टेड कैशबुक। हम क्या बनाएंगे? एडजस्टेड कैशबुक। हम क्या बनाएंगे बच्चे? एडजस्टेड कैशबुक। एडजस्टेड कैशबुक का मतलब होता है कि कैशबुक में जो एंट्री होना चाहिए और आपने नहीं किया है, या फिर कैशबुक में कुछ गलती किया है, तो पहले आप अपने कैशबुक में तो उसको एडजस्ट करो बदमाश, कैशबुक को तो पहले सही करो फिर बीआरएस बनाना। तो मेरे बच्चे हम एडजस्टेड कैशबुक बनाएंगे। नो डाउट कि कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं, हम बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, सिर्फ बैंक कॉलम, है ना, क्योंकि हम बैंक कहीं यहां पे सही कर रहे हैं, बाकी किसी कॉलम की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन में, मैं दोबारा पढ़ूंगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो चुका है एग्जाम के लिए, लेकिन मेरे पास आपको अब धीरे धीरे हम लेके आ रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ के पास, जो आपके एग्जाम में रेलिवेंट होते हैं, जो पूछते हैं। तो मेरे बच्चे कहता है कि पॉइंट 1 में ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक, ओवरड्राफ्ट है, आपको पता है ना कि कैशबुक आपका अगर बैंक आपका एसेट्स है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, बैंक में अगर ओवरड्राफ्ट है तो हम क्या क्रेडिट बैलेंस दिखाएंगे, तो यहां पे बाई बैलेंस बीडी। अगर बैंक में मेरे बच्चे ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट का कौन सा बैलेंस होगा जी, लायबिलिटी है ना बच्चे, क्रेडिट बैलेंस, आपने पढ़ा है बचपन से लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, आपका एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है उसको हमने क्या किया यहां पे लिख दिया, हम लोग पहले कैशबुक को एड्रेस कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई एंट्री यहां पे हुई है और हमें भी करना चाहिए था हम उसको करेंगे, हमने जो एंट्री की हुई है उसको थोड़े कुछ करेंगे, जो सही करना वो करेंगे। अब ध्यान दीजिए मेरे साथ, ध्यान दीजिए मेरे साथ, दिमाग को बिल्कुल आप शांत रखेंगे, इफ और नहीं, पहले पॉइंट 2 पढ़िए मेरे साथ, पॉइंट नंबर 2, मैं आपको पॉइंट 2 दिखा रहा हूं, इसको लिखना नहीं आपने। कहता है कि चेक 40,000 का हमने सेंड किया बैंक को कलेक्शन करने के लिए, और चेक सेंड करते ही हमने क्या किया जी, 40,000 से आपने कैशबुक को बढ़ा दिया। मतलब मेरे बच्चे ये हमारा कैशबुक है और ये हमारा पासबुक था, तो कैशबुक में हमने 40,000 की एंट्री की है। पता है ये हमेशा पूरे वर्ल्ड में, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता है बच्चे कि जैसे ही चेक हम बैंक में जमा करेंगे, चेक जमा करते हैं क्या करते हैं, हम अपने कैशबुक को बढ़ा देते हैं, एंड दिस इज द राइट वे टू मेक द एंट्री। हमारे अकाउंटेंट ने यहां पर सही किया है, 40 की एंट्री की है। अब कहता है आगे में, आगे में कहता है कि आपने जो 40 के भेजा था, चेक कहता है कि सिर्फ 25,000 का बैंक ने क्लिक किया है, मतलब कि हमें 30 सितंबर तक क्या दिख रहा है जी कि हमने तो 40 की एंट्री की है, यहां पे 25 की एंट्री हुई है, क्योंकि 15,000 का चेक अभी तक हमारे बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया गया। आप सिर्फ इतना बताओ कि हमने, हमारे अकाउंटेंट ने कोई गलती की है क्या, क्या 40,000 का जो चेक हमने बैंक में जमा किया और 40,000 से यहां पे एंट्री हो गया है, इसमें कोई गलती है क्या? नहीं, कोई गलती नहीं है, हमारे अकाउंटेंट ने सही एंट्री किया हुआ है। तो बताओ ये जो एंट्री ऑलरेडी आपने सही किया है उसको भी हमें यहां पे एडजस्ट करना है क्या? ना ना ना, यहां एडजस्ट क्या होगा, जो एंट्री यार यहां पे दिखेगा, यहां पे हुआ है, आपने नहीं किया उसको सही करो ना, उसको उस एंट्री कर लो, या कुछ गलती अगर आपने यहां पे किया है तो उसको सही कीजिए, यहां तो कोई गलती है ही नहीं। तो मेरे बच्चे ये फिर आपका एडजस्टेड कैशबुक में नहीं आएगा। सर फिर कहां जाएगा? अब आपको पूछना नहीं चाहिए था, ऑब्वियस बात है कि हम यहां पर नहीं करेंगे, वो बीआरएस में जाएगा, बट फिलहाल मैं अभी पूरा फोकस करूं ना कि कौन कौन सी चीजें आपकी आत्मा बोल रही है कि हां जी यहां पर एंट्री करना चाहिए, बस उसकी बात कर रहा हूं। अगला पॉइंट आइए, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, हमने 30,000 का चेक इश्यू किया था। मेरे बच्चे जब 30,000 का चेक हमने किसी पार्टी को दिया ना कि भैया जाओ मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेना, तो उसी दिन हमारा अकाउंटेंट क्या करता है कि हमारे अकाउंट से 30,000 माइनस कर देता है, पैसा कभी भी निकले फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब जो चेक हम आगे और किसी को दे सकते हैं या फिर बैंक से अगर कुछ पैसा हमें निकालना है तो वो 30,000 का अमाउंट छोड़ के बाकी निकालना होगा, वो पैसा मेरा नहीं रहा, वो पार्टी कभी भी मेरे अकाउंट से निकाल सकते, उसका पैसा है।
तो मेरे बच्चे 30,000 का चेक अगर हमने इश्यू किया है, हमारे अकाउंटेंट ने 30 की एंट्री की हुई है कि भैया हमारे अकाउंट से निकल गया, अब जिसको हमने चेक दिया है वो मेरे बैंक से पैसा अभी निकाले कभी निकाले फर्क नहीं पड़ता। तो आप मुझे बताओ कि हमारे अकाउंटेंट ने 30 की एंट्री की हुई है, कुछ गलत किया है क्या? इसमें भी कोई गलती नहीं है क्योंकि जो रूल है उसके हिसाब से उसने एंट्री किया हुआ है। तो ये भी आपका फिर यहां पे नहीं आएगा, जो यहां पे नहीं आएगा वही बीआरएस में एक्चुअली जाता है। बट इसको छोड़ो, आप पॉइंट 1, 2, 3 खत्म हो गया, फोर्थ पॉइंट सुनिए। फोर्थ, अब यहां से आपको आपको देखो आत्मा खुद कैसे कुरेदना शुरू कर देगी। एक कस्टमर ने 28,000 डायरेक्टली बैंक में पे कर दिया। मेरे बच्चे अगर एक कस्टमर ने 28,000 डायरेक्टली पे कर दिया तो आपका पासबुक में 28 बढ़ा हुआ है, यहां पे एंट्री दिख रहा है, यहां एंट्री नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर जिस दिन बैंक में पैसा कस्टमर ने जमा किया था, अगर उस दिन आपके पास ये इंफॉर्मेशन आता चाहे कस्टमर के थ्रू चाहे बैंक के थ्रू, तो आप यहां पे एंट्री करते कि नहीं करते? क्या वो पेमेंट आपका, अगर हम 30 सितंबर को बना रहे हैं तो 30 सितंबर तक वो पेमेंट यहां पर रिकॉर्ड होता कि नहीं होता? होता सर। अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली हमारे बैंक में जमा कर दिया है तो पासबुक में एंट्री है, अगर हमें पता होता तो हमें हम भी एंट्री करते क्योंकि पैसा अभी तक आ चुका है। तो फिर हम कहते हैं उस एंट्री को कर लो, फिर आप है वो एंट्री कर लो। तो पता मैं क्या करूंगा, यहां जो कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा पे किया ना बच्चे, हम एंट्री करेंगे। एंट्री क्या होगा जी? एंट्री होगा कि बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट एंड कस्टमर यानी कि टू डेटर्स अकाउंट, यही तो एंट्री करते हैं। पढ़ा है हमने बचपन में जर्नल एंट्री पढ़ते समय कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट कितने का जी? 28,000 का, 28,000 एंट्री कर लो। बैंक में क्या बोलेंगे? दिस इज बैंक कॉलम, क्या बोलेंगे? टू डेटर्स आपका। मतलब प्रॉपर आप एंट्री कर लीजिए, जो एंट्री अभी आपका नहीं हुआ है। कितने का जी? 28,000 है ना? यस सर, 28,000 का। मैं कह रहा हूं कि आप दिमाग में ज्यादा इफ और लेकर आओगे तो काम खराब होगा मेरे बच्चे। आपको बिल्कुल लाइट दिमाग करके बस आपको अपनी आत्मा से एक ही चीज बार बार पूछना है कि क्या ये एंट्री आपका हमें करना चाहिए? अगर हाँ तो हम एंट्री करेंगे, है ना? अगर हमने नहीं किया है तो अगला पढ़ना। अगला क्या बता रहा आपको, अगला पढ़ेंगे। कहता है आपका पांचवें पॉइंट में, बैंक चार्जेज 250 इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। मेरे बच्चे बैंक ने 250 चार्ज काटा हुआ है, हमारे अकाउंट से माइनस कर लिया है। हमें पता होता तो माइनस करता कि नहीं करता? करता। मैं एंट्री है, होना चाहिए था, नहीं हुआ, अब कर लो, अब पता चला ना। तो मेरे बच्चे बैंक ने चार्ज काटा तो एंट्री क्या होगा जी? बैंक चार्जेज हमारे एक्सपेंसेज हैं, हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और बैंक से पैसा चला गया टू बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक में क्या बोलेंगे? बाय बैंक चार्जेज अकाउंट, बाय बैंक चार्जेज अकाउंट, है ना? कितना? 250। तो हमारे अकाउंट, ये हमारा रिसीट साइड होता है ना, पैसे का आना, और ये हमारा पेमेंट साइड होता है। पैसा अगर बैंक में आया तो इधर रिकॉर्ड करूंगा, जाएगा तो यहां रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, आगे पढ़िए और क्या बता रहा है। अगला पढ़ना पॉइंट नंबर 6 पॉइंट, अ चेक फॉर 5,000 फ्रॉम अ कस्टमर करेक्टली रिकॉर्ड इन द कैशबुक, कैशबुक में एंट्री है बट ओमिटेड टू बी बैंक फॉर कलेक्शन। आप बताओ कि जो चेक था वो कहता है कि कैशबुक में एंट्री है, तो ठीक है फिर हमने बैंक को नहीं भेजा जी, तो भेज देना आप। अब तो पता चल गया ना, वो भूल गया था यार, बैंक में एंट्री नहीं दिख रहा है, वो चेक भेजना था हमने नहीं भेजा, तो भेज देना आपका यहां एंट्री, तो ठीक है ना? चेक जैसे ही हमने कलेक्ट किया, हम एंट्री करते तो हमने एंट्री किया हुआ है, भी कोई दिक्कत नहीं। ये सब जो यहां पे नहीं आएगा वही बीआरएस में आपका जाता है। आगे पढ़ना 7 पॉइंट में, कहता है कि फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 2,000 नॉट रिकॉर्ड इन द कैशबुक। बैंक ने एक 2,000 रुपए का चार्ज पे किया, कहता है कि कैशबुक में एंट्री नहीं, कर लो फिर आपका, कर लो। और एंट्री क्या होगा जी? बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है ना, तो ये भी आपका पेमेंट साइड में। कितने का प्रीमियम है? 2,000 का। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जहां पे क्लियरिटी आपके पास आएगी, ये आपका एंट्री हो गया। ठीक है, आगे बढ़ना और क्या बता रहा हमारे पास, और पढ़ना। कहता है कि बिल फॉर 5,000 डिस्काउंटेड विद बैंक फॉर 4,800 वॉज डिसऑनर्ड बट नो एंट्री इज मेड इन द कैशबुक। डिसऑनर्ड की एंट्री कैशबुक में नहीं है तो कर लो कैशबुक में एंट्री। और जब डिसऑनर्ड की एंट्री करते हैं ना बच्चे, तो एंट्री होता है, ध्यान दीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, डेटर्स को बढ़ाते हैं। अगर किसी से बिल रिसीव किया है और वो डिस्काउंट किया था और डिसऑनर्ड हो गया, तो डिसऑनर्ड की एंट्री होता है डेटर्स अकाउंट डेबिटेड एंड टू बैंक अकाउंट। सर ये एंट्री नहीं समझ में आया, आपको भी समझ में भी नहीं आएगा अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं पढ़ा है तो, अगर पढ़ा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना? तो मेरे बच्चे
ये याद रखना कि बिल जब भी हमने बैंक से डिस्काउंट किया हुआ है, मतलब बिल बैंक को बेचा हुआ है, और जिस आदमी से बिल का पेमेंट आना था उसने पेमेंट नहीं किया, तो हम लोग डिसऑनर में क्या एंट्री करेंगे, उस आदमी को डेबिट कर देते हैं, मतलब डेटर्स को जिसे पैसा लेना था, और हम बैंक, क्योंकि बैंक हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लिया होगा तो बैंक क्रेडिट कर देते हैं। कितने का था वो? 5000 का। तो डेटर्स टू बैंक, तो बैंक में क्या बोलेंगे जी हम लोग? बाय डेटर्स, है ना, बाय डेटर्स। कितना जी? 5000। जो भी एंट्री, मेरे बच्चे सिंपल सी बात है यार, कैश बुक में जो एंट्री होना चाहिए था हमने नहीं किया, तो उस एंट्री को हम कर लेंगे। और अगला नाइन्थ पढ़ेंगे आप, चेक रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। हमने रिकॉर्ड किया ना, तो ठीक है जी, कोई गलत नहीं है आपका, ठीक है, खत्म होगी बात मेरे बच्चे। यानी कि रियल लाइफ की बात कर रहा हूं। रियल लाइफ में क्या होगा कि पहले आपका जो अकाउंटेंट है, आप उसको ये बोलोगे कि आप एक काम करो जी, कि आपने इसको देखते हुए जो एंट्री आपने नहीं की है अब उस एंट्री को कर लो, या फिर कुछ गलती अगर कैशबुक में हुआ तो उसको पहले सुधारो, फिर बीआरएस बनाओ, फिर बीआरएस बनाओ। हम वही काम कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे पहले ना हम लोग अपने कैशबुक में जो एंट्री होना चाहिए था या जो गलतियां हैं उनको सुधारें और चेक करो कि हमारा बैलेंस क्या निकल के आता है, बैलेंस आपका। तो मुझे ये साइड बड़ा दिख रहा है जी, ये बड़ा है ना आपका? नहीं, हाँ ये साइड बड़ा आपका है। तो आपका 28000, यहां भी 28000, और यहां पे बाय बैलेंस सीडी, बताइए बैलेंसिंग फिगर कितना निकल के आ गया, है ना, अपनी गलतियां सुधारने के बाद। तो 28000 माइनस आपका 12000 माइनस 250 माइनस 7000, दोनों मिलाकर ये आ गया 8750। ये हमने अपना पहले कैशबुक को क्या किया मेरे बच्चे, हमने पहले उसको सही कर लिया, ठीक है ना, हमने कैशबुक को पहले सही कर लिया। पहले सारी बातें समझ लीजिए जो बता रहा हूं मैं अभी, ईफोर दिमाग में नहीं, जो भी सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं मैं बाद में आपको समझाऊंगा, उसका आंसर दूंगा, पहले आप यहां तक मेरी बात समझिए। अभी ईफोर लेकर आओगे फिर कुछ भी नहीं समझ में आने वाला, इसलिए काम खराब करोगे अपना। यहां पे समझिए मैं क्या बता रहा हूं, बस इतना ही, अभी कोई ईफोर नहीं। आपके संतोष सर जितनी बातें बोल रहे हैं बस उतना ही सत्य है, वही सत्य है बस, और कुछ भी नहीं आपका, इतना दिमाग में लेकर चलिए। तो हमने क्या किया, पहले कैशबुक को यहां पे एडजस्ट कर दिया। अब मेरे बच्चे अब हम क्या करेंगे, इसके बाद वी विल प्रिपेयर बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, एज ऑन कब जी आपका? 30 सितंबर 2022। अब यहां पे आएगा, और पता है यहां पे क्या आता है, इसमें जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं बैंक के चलते, बैंक के पार्ट पे, वो आता है मेरे बच्चे। तो यहां पे वही जी आपका प्लस कॉलम और यहां पे माइनस कॉलम। अब जो ये बीआरएस बनता है ना, वो बनता है मेरे बच्चे इस बैलेंस के मुताबिक, मतलब कैशबुक का बैलेंस जो आपने एडजस्ट कर लिया, कैशबुक का जो बैलेंस आपने सही कर लिया उसके बाद, यानी कि हम इसको लिखेंगे, अच्छा ये कौन सा बैलेंस है कैशबुक का, ये तो ओवरड्राफ्ट था, ये कौन सा बैलेंस है? जब भी आपको चेक करना है ना कि ये बैलेंस आपका ओवरड्राफ्ट है कि क्या है, तो हमेशा इसको पहले ओपनिंग में लाके चेक कीजिए। और इसी अकाउंट की बात नहीं कर रहा मेरे बच्चे, किसी भी अकाउंट को, किसी भी अकाउंट का अगर आपको ये जानना है कि भैया उसका कौन सा बैलेंस है, तो आपको पहले उसको ओपनिंग में लाके देखना होता है। तो ओपनिंग में कहां आ गया? डेबिट में आपका आ गया। और डेबिट बैलेंस किसका होता है? एसेट्स का। क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी का होता है, क्रेडिट बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में है तो वो हमारा एसेट्स होगा, मतलब कि अब ये ओवरड्राफ्ट नहीं है, ये क्या है जी? बैलेंस है, ये बैलेंस है एज पर एडजस्टेड कैशबुक, है ना। दोबारा सुन लीजिए, आपने कैशबुक में जो एंट्री कैशबुक में अभी तक नहीं हुआ था और आज आपको पता चला कि यार ये तो एंट्री होना चाहिए था, तो आप उस एंट्री को करके क्या करो, कैशबुक को पहले अपना एडजस्ट कर लो, सही कर लो, और कैशबुक को सही करके उसका बैलेंस निकालो, बीआरएस उससे हम बनाना शुरू करेंगे। अब ये बात जानने के लिए कि यार ये कौन सा बैलेंस है, ये ओवरड्राफ्ट है कि या बैंक का सही पॉजिटिव बैलेंस है, तो हमेशा क्या करते हैं हम, पहले उसको ओपनिंग में लाके चेक करते हैं वो कहां दिख रहा है। अगर ओपनिंग डेबिट में दिखेगा तो वो आपका एसेट्स है, क्रेडिट में तो फिर आपका लायबिलिटी है। तो क्योंकि डेबिट में दिख रहा है यानी कि एसेट्स है जी, यानी कि वो बैलेंस है ना कि ओवरड्राफ्ट है, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो भी चीजें बच गया ना, जो भी चीजें बच गया उसको अब आप यहां पर लेकर आइए। क्या क्या बच गया चेक कीजिए। अब यहां पे पॉइंट वन तो हो चुका, पॉइंट टू,
जो चेक हमने 40,000 का हमने बैंक को दिया था कलेक्शन करने के लिए, और 25 का ही कलेक्ट हो पाया था बैंक में, तो हमने तो सही किया था ना। ये डिफरेंसेस क्यों आया? क्योंकि बैंक के पार्ट पे एंट्री नहीं हुआ है, उसको यहां लेकर आइए। तो ये जो हमने किया था ना, ये जो किया था, अब उसको हम यहाँ पे पॉइंट नंबर टू को लेकर आएंगे। पॉइंट नंबर टू आपका यहाँ पे क्या जी, चेक डिपोजिटेड। अब वहीं से देख लिख देता हूं, बार बार क्यों समझाऊं, चेक डिपोजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक ने अभी तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिटेड बाय द बैंक, बाय द बैंक। एंड कौन सा कॉलम में जा रहा हूं आपका, कौन सा, माइनस कॉलम है ना, तो आप उसको माइनस कॉलम लिख दीजिए। कितना था, 15,000 रुपए। अरे ये बैलेंस लिखना भूल गए, पहले ये लिख दो आप, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक कितना है, 8750। तो बैलेंस है ना, बैलेंस हमेशा कहां जाएगा, प्लस कॉलम में। ओवरड्राफ्ट होगा तो हमेशा माइनस कॉलम पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर थ्री, चेक 30,000 रुपए का हमने इश्यू किया था, हमने ठीक है एंट्री किया हुआ है, बैंक ने सिर्फ 18,000 का एंट्री किया हुआ है, डिफरेंसेज बैंक के पार्ट पे है, बीआरएस का पार्ट होगा। थर्ड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, फॉर पेमेंट है ना, कितने का, 12,000 का, ये वाला हो गया। अब हम बार बार क्यों सोचे, 12,000 आप प्लस में लिख दीजिए यहां पे, 12,000 आपका प्लस में। फिर आपका अगला ये फोर्थ, कस्टमर डायरेक्टली पेड, वो तो हमारा एडजस्टेड कैशबुक में एडजस्ट कर लिया, अब वो डिफरेंस रहा ही नहीं, छोड़िए उसको। बैंक ने 250 चार्ज काटा था, वो भी हमने एंट्री कर लिया, अब थोड़ा डिफरेंस रहा, जब यहां पे एंट्री है और यहां पे भी हमने कर लिया तो डिफरेंस तो रहा ही नहीं, तो ठीक है ना बच्चे, वो भी ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चेक 5,000 का कस्टमर से हमने जो कलेक्ट किया था, वो कहता है कि रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक बट ओमिटेड टू बी सेंट फॉर कलेक्शन, ये आपका डिफरेंसेज है, तो आप इसको लिखेंगे यहां पे। कौन सा पॉइंट था, सिक्स पॉइंट आपका, तो सिक्स पॉइंट लिखिए यहां पे, सिक्स पॉइंट है ना, यस, चेक ओमिटेड टू बी सेंट फॉर कलेक्शन, बैंक को कलेक्शन करने के लिए हम चेक कलेक्शन है, कलेक्शन, TTION कलेक्शन हम भूल गए, यानी कि ये कौन सा था, सिक्स नंबर, ये वाला आपका, ये वाला 5,000 कहां जाएगा, माइनस कॉलम में, तो फाइव, बिल्कुल सेम चीज, बाकी चीज वही इसी तरीके से। फिर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम वाला, वो तो हमने एंट्री कर लिया, ठीक हो गया। फिर आपका चेक रिकॉर्डेड इन द, एक मिनट कुछ छूटा क्या, नहीं ठीक है, आपका फायर वाला हो चुका, 8 पॉइंट, बिल जो डिस्काउंट हुआ था और हमने डिसऑनर्ड की एंट्री नहीं किया तो एंट्री कर लिया था, वो भी ठीक है। फिर वो आपका नाइन्थ, एक चेक जो रिकॉर्ड किया गया है कैशबुक में, अगेन कहते हैं नॉट सेंट फॉर कलेक्शन, तो ये आपका नाइन्थ पॉइंट, आपका नाइन्थ पॉइंट आपका यहां पे आ गया, चेक नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। मैंने कहा है ना, आप ये सेंटेंस कुछ भी लिख सकते हो, कैसे भी, इवन जो बुक में एग्जैक्टली वो भी लिख सकते हो। तो नाइन्थ में क्या हुआ था जी, ये देखिए 25 माइनस में है, तो 25 हमने यहां पर लिख दिया, बस। यानी कि नाइन जो एंट्री था, नौ एंट्री में से एक दो तीन चार, चार एंट्री यहां चला गया, पांच छह सात आठ, कुछ छूट गया क्या, एक बार चेक कर लेता, कोई पॉइंट छूटा देना, ओवरड्राफ्ट का, अच्छा सॉरी, नौ में, ठीक है, आठ ही तो था, पहला वाला तो बैलेंस है, तो चार जो गलतियां कैशबुक में थी, कैशबुक को सुधार लिया, बाकी बीआरएस में आपका आ गया। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करके अब देखते हैं क्या निकल के आता है। मेरे बच्चे कौन सा बैलेंस ज्यादा दिख रहा है आपको, माइनस वाला बड़ा दिख रहा है, 15 + 5 = 20, ये 22,500, 22,500 यहां पे आ गया, 22,500। तो 22,500 में 22,500 में माइनस कीजिए एक तो 12,000 और माइनस कीजिए 8750, ये आ गया आपका यहां पे 1750, आपका 1750। तो अब हम क्या बोलेंगे, ये एज पर कैशबुक था ना, तो इसको क्या बोलेंगे जी, एज पर पासबुक, ये हो गया आपका एज पर पासबुक, ये पासबुक के मुताबिक आपका हो गया, वो कैशबुक के मुताबिक था, ये पासबुक के मुताबिक हो गया, ये बैलेंस था, ये क्या होगा, तो ये देखो ना,
आपका सेम साइड में बैलेंस आ रहा है, सेम साइड में। अगर सेम साइड में तो अपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस, अपोजिट मतलब क्या है, बैलेंस है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट आपका ये निकल के आ गया 1750। और आप देख सकते हो कि यहां भी आपका ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 1750 ही आया था, और यहां भी आपका क्या 1750 वही तो आएगा, आएगा वही मेरे बच्चे, ऑब्वियस बात है। ऐसा थोड़े कि ऐसे करने से आपका बैलेंस बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, सेम बैलेंस आएगा, सेम बैलेंस आएगा, ये पक्का है। बट दिस इज द रियल वे टू प्रिपेयर योर बीआरएस इन रियल लाइफ। और याद रखना एग्जाम में बहुत क्या, मैं तो 99% की श्योरिटी बोलता हूं कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा बीआरएस का, तो मेरे हिसाब से वो कहेगा कि भैया पहले आप एडजस्टेड कैश बुक बनाइए और फिर आप बनाइए क्या जी यहां पे अपना बीआरएस। तो उस केस में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। सर इस क्वेश्चन में तो नहीं बोला था, इस क्वेश्चन में तभी लिख दिया था कि ये जो आंसर है ना, लिख लो यहां पे, ये जो आपका है ये आंसर, ये जो आंसर है आपका एज पर गिवन क्वेश्चन, गिवन इंस्ट्रक्शन इन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन इन क्वेश्चन, उसके मुताबिक तो आपका यही आंसर होगा। मतलब इस क्वेश्चन में ऐसे ही आंसर करना है। लेकिन मैं आगे दिखाऊंगा अभी कई सारे क्वेश्चन, जैसे कि मैं अभी दिखा देता हूं, अभी कराऊंगा नहीं बट दिखा देता हूं। जैसे कि क्वेश्चन फोर्थ पढ़ो, फोर्थ का आप पढ़ो बिल्कुल लास्ट का, फोर्थ में लास्ट में ए भी लिखा हुआ है, पढ़ो ए क्या बता रहा है, ए पढ़ेंगे आप, टू मेक द एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक। यानी कि पहले भैया आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाना है, फिर आपको बीआरएस, तो वो हो गया आपका। उसी तरीके से आपका, उसी तरीके से मैं आपको बताऊं, अभी दिखाऊंगा कई सारे क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर टेंथ देखो, आप टेंथ देखो, टेंथ चेक कीजिए, लास्ट लाइन क्वेश्चन का, सिर्फ लास्ट लाइन देखिए, कुछ भी नहीं, लास्ट लाइन में कहता है कि प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक, वो वही आएगा, वो हमेशा एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्या करेगा, इसी तरीके से बात करेगा, वो कहेगा, तो आप चिंता नहीं करना। तो मेरे बच्चे ये हमने क्या किया, अब आगे जो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, उसके लिए मैंने आपको समझाया है, इस क्वेश्चन में आपको यही करना है, बट ये आपका हमने बताया प्रैक्टिकल लाइफ में। और अब मैं कुछ नोट लिखा रहा हूं, नोट के साथ क्लास खत्म करूंगा। अब कभी अभी तक मतलब कि अभी घर में कोई भी दूसरा क्वेश्चन ट्राई आपको नहीं करना है जब तक कि अगली क्लास आपको ना हो जाए। लिखेंगे आप यहां पे इंपॉर्टेंट नोट, लिखेंगे आप इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट नंबर वन आपका, नंबर वन है। एक तो कहीं मैं भूल जाना इसलिए मैं लिखा देता हूं, लिख देना बीआरएस एग्जाम में वन मार्क बन सकता है, इज जनरली प्रिपेयर ऑन मंथली बेसिस। ये मैंने लिखा दिया, पहले का टॉपिक है लेकिन ये नोट नहीं लिखाया था इसलिए मैंने लिखा दिया, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। जनरली क्या, जनरली मतलब ऐसे कभी भी बना सकते बट जनरली कंपनी में मंथली बनता है। नंबर टू, इन रियल लाइफ, लिखेंगे इन रियल लाइफ, फर्स्टली वी प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक एंड देन बीआरएस इज प्रिपेयर्ड, है ना, बीआरएस पे। पॉइंट नंबर थ्री लिखेंगे, इन एडजस्टेड कैश बुक वी पास दोज एंट्रीज विच हैव नॉट बीन पास्ड because of absence of information, हमें उसके बारे में नहीं पता था, absence of information। आगे ब्रैकेट में फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक कॉमा
इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑब्लिक डेबिटेड बाय बैंक कॉमा पेमेंट डायरेक्टली मेड बाय बैंक कॉमा पेमेंट डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक एक्सेट्रा। ऐसी कोई भी चीज जो आपको दिख रहा बच्चे कि बैंक के पार्ट पे एंट्री हो चुकी है, हमने नहीं किया बिकॉज वी हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, विल पास दैट एंट्री फर्स्टली। और या फिर क्या लिखा, इन एडजस्टेड कैशबुक वी पास दोज एंट्री विच हैव नॉट बीन पास्ड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, और इफ एनी एरर कोई गलती हैज बीन मेड इन द कैशबुक। तो उनसे जुड़ा जो एंट्री होगा मेरे बच्चे, उनसे जुड़ा जो होगा हम एडजस्टेड कैशबुक में करेंगे आपका, ठीक है ना। एंड फोर्थ लिखेंगे आप यहां पे व्हाइल प्रिपेयरिंग BRS, we start from balance as per adjusted cash book, not cash book, जो हमने cash book adjust किया ना बच्चे, उसके balance से हम लोग फिर क्या करते हैं, अपना BRS बनाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है, इतनी बात। अभी मैं आपको कोई भी क्वेश्चन करने के लिए नहीं देना चाहता, ना आपको करना है किसी भी हालात में, किसी भी क्वेश्चन को मेरे बच्चे अभी टच नहीं करना है। पहले मैं आपको अभी 2-3 क्वेश्चन इस पे और कराऊंगा, माइंड को भी कुछ शार्प करूंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन दूंगा, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास में यहीं पर रोकता हूं इन नोट के साथ। अगली क्लास में हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और अच्छी बातें करेंगे, इसकी थ्योरी, कुछ टिपिकल बातें, एंड मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अगली क्लास में चैप्टर को एंड करने की कोशिश करेंगे। आप सारे प्यारे बच्चों को बाय बाय टाटा, नेक्स्ट टाइम मिलते बच्चे इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप, क्या हालचाल आपके। पहले तो आगे बढ़ने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कंटेंट आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे, इस कंटेंट को आप बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनके बीच में आप फैलाएं। बहुत मेहनत होती है मेरी और मेरी टीम की एक एक कंटेंट को डिजाइन करने के लिए, आपके लिए, हमारे सीए बच्चों के लिए, आपका हर एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन, मैराथन, आपके जितने भी कंटेंट है उसके ऊपर में काम करना, हमारी पेड क्लासेज के अंदर में एक एक कंटेंट के ऊपर में वर्क करना, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। और एक ही अल्टीमेट टारगेट होता है कि हमारे बच्चे यानी कि आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करें, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री। मेरे बच्चों, पहले मैं और मेरी पूरी टीम दिल्ली के एक एरिया में हम लोग इसको सीए की क्लासेस प्रोवाइड किया करते थे, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी क्वालिटी एजुकेशन को पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाया जाए एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट। रिपीट कर रहा हूँ, वेरी रीजनेबल कॉस्ट। बिलीव कीजिए, हमने इस सक्सेस को बहुत हद तक पाया है मेरे बच्चे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हजारों बच्चे जो सीए कोर्स को ऑप्ट किए हुए वो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं और बहुत हद तक अपने आप को आगे बढ़ाए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ रिव्यू पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास सीए बच्चों के आए हैं हमारी क्लासेज को लेकर, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं, आप प्लीज एक बार उसको देखें। हेलो एवरीवन, दिस इज परिमाईश्वरी एंड आई एम अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट। हेलो, माय नेम इज वंशिका एंड आई एम डूइंग सीए इंटरमीडिएट राइट नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ प्रशांत दीक्षित। आई टुक कोचिंग फ्रॉम सीओसी एजुकेशन। आई टुक माय अकाउंट्स ट्यूशन फ्रॉम संतोष सर। सर तो अकाउंट्स के लेजेंड, आपको पता है, वो तुम यूट्यूब में देख सकते हो। थैंक्स टू राहुल भूटानी सर, इज माय मैथ्स टीचर एंड मैथ्स इज वेरी डिफिकल्ट बट नाउ आई डोंट थिंक लाइक दैट। इकोनॉमिक्स विनीत सर पढ़ाते हैं जो कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को काफी इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। आई टेक माय बिजनेस लॉ क्लासेस फ्रॉम सीए राघव गोयल सर, ही इज जस्ट अमेजिंग।
All the teachers clear our concept very nicely and they guide us in each and every step. Monday to Saturday आपका doubt session होता है जिसमें आप WhatsApp पर calling के थ्रू आप अपने doubts पूछ सकते हैं और teachers available होते हैं जो कि आपके doubts को personally solve करते हैं. The most important thing about COC is that COC provides us very easy books to study. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away, and I'm even able to score a good marks. Thank you. Thank you. थैंक्स टू सी ओ सी जिन्होंने मेरी जर्नी को काफी आसान बना दिया है. थैंक यू सो मच. एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सभी अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं. ऑल द बेस्ट बच्चे, ऑल द बेस्ट. थैंक यू बच्चों. थैंक यू जी. थैंक यू.